क्यों रघु, कौन है ये? सर बताया था ना, ये मुरली है, ग्राउंड कोच। हाँ हाँ, मिलिट्री का आता ना, ये वही है क्या? नमस्ते सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कुछ नहीं सर, हमारे ग्राउंड के लड़के सिलेक्शन के लिए गए थे। लेकिन वहाँ कोई सिलेक्ट तो नहीं हुआ ना? अरे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेंगे तो कैसे सिलेक्ट होंगे? हाँ, गवर्नमेंट फंड देती है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतना बुरा खेलेंगे तो कैसे सिलेक्ट? नहीं सर, लड़कों ने अच्छा खेला था। खेला होता तो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, यही कह रहा हूँ। देखो ये गलत वालत मुझे, मैं समझाता हूँ। ये बताइए, बच्चा फेल होगा तो टीचर से मिलेंगे ना, डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने थोड़ी चले जाएंगे? सर कितने बड़े मिनिस्टर हैं। सर मुरली ने ऐसा तो नहीं कहा सर। तो कैसा कहा उसने? मैं बताता हूँ सर, मेरा मतलब मैं समझाता हूँ सर। असल में हमारे ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाला है सर। हर साल कम से कम 4 खिलाड़ी सिलेक्ट होते ही हैं, बस इस साल सिलेक्ट नहीं हुए, इसीलिए उसको अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाला है। देखिए, इस अंडर परफॉर्मिंग ग्राउंड को लीज पर देंगे तो आने वाले पैसों से कम 6 ग्राउंड्स डेवलप कर सकते हैं, और वैसे उन ग्राउंड्स में मैं आप जैसा कोई कोच बनाऊंगा। वैसे उस ग्राउंड को किसी और को नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए दे रहे हैं। कितने दिन आप दूसरों के पास जाकर इलाज कराएंगे? हमें भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए ना। परसों ही अपने गांव में एक किसान का बेटा दिल का दौरा आकर टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती न होने की वजह से उसकी जान चली गई। उसी टेंशन में उसके माँ बाप भी चल बसे, बेचारा उसका भाई नक्सलवादी बन गया। सर आप तो किसी फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं। ऐसे किस्से सुन सुनकर कौन सा सिनेमा है, कौन सी हकीकत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपके लिए एहसान करता हूँ, बस स्टैंड के बाजू में इससे 5 गुना बड़ा ग्राउंड है, फंड सैंक्शन करवा कर उसे एकेडमी बना देते हैं। स्टूडेंट्स को और प्रतिमा को ले जाकर आराम से प्रैक्टिस कीजिए आप। नहीं सर, वो ग्राउंड हॉस्पिटल को दीजिए और हमारे ग्राउंड हमें। मुझे समझा रहे हो? जो भी करना है हम जानते हैं। क्या है यार ये? सॉरी सर, सर इन्हें ले जाइए। रुकना एक मिनट, रुक रुक चलते। ऐसे क्या देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है? मुझे मारना चाहता है? अरे नहीं 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 नहीं, ये ले। सर 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 क्या कर रहे हो? रुक 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 रुक, चल शूट कर, ले 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 ले, शूट कर शूट कर। अरे कोई बात नहीं, ले ले हाथ में, ले 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 ना। शूट करने के लिए गन ले रहा है? नहीं 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 सर। वैसे भी मिलिट्री वाला है ना? हाँ मिलिट्री वाला है। अरे देख क्या रहा है, समझाना इसे। समझाऊंगा सर, चल चल चल, मैं समझा दूंगा। चल 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 ना सर, दिल पे मत कीजिए, मैं समझा दूंगा। चल 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 चल। बाप रे, क्या यार, उस गन से उसे मार देगा क्या? हमारा टाइम अच्छा था इसलिए बाहर निकल कर आ गए। वो मिनिस्टर पक्का कोई प्लान कर रहा है। वो जो कर रहा है करने देना, तू कौन होता है सवाल पूछने वाला? प्लेयर्स का नाम खराब करने वाला वो कौन होता है? तेरे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं मान गया। इसके बाद वो बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है। क्या चाहिए? सर लिस्ट फिक्स हो गई। ठीक है तुम जाओ। मैंने कहा था ना तेरे प्लेयर्स बहुत बड़े तोप हैं। ये देख, ध्यानचंद टूर्नामेंट सक्सेस। इनसे खेलो, कब जीतो और न्यूज में आओ। इसे देखकर लोगों को कहना चाहिए कि ये बेस्ट टीम है, तेरे कहने से नहीं होगा। समझ गया ना? हॉस्पिटल को बस स्टैंड के पास बनाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। वो तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के नाम से वो मिनिस्टर जरूर कोई प्लान कर रहा, मुझे शक है। काफी सोचने के बाद भी मेरी समझ में कुछ नहीं। सर आरटीए फाइल करेंगे तो? आरटीए? जी सर, हमारे आसिफ के ब्रदर लॉयर है ना, उनसे एक बार बात करेंगे तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। हम उन्हें मना सकते हैं। सर सर एक मिनट। एलएस मिल्स गर्ल्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है सर, टीम सिलेक्ट करनी है। कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ इस ग्राउंड को कैसे बचाना समझ में नहीं आ रहा, बीच में तुम आ गए। और स्टेट प्लेयर्स की लिस्ट रेडी हो गई सर। हाँ तो कहना क्या चाहते हो? गर्ल्स टीम को सिलेक्ट करना, इतना ही ना? जी सर। अभी करवा देता हूँ, रुको। आसिफ सर कम यहाँ, एलएस मिल्स टूर्नामेंट के लिए गर्ल्स की टीम सिलेक्ट करनी है। खुद देखकर सिलेक्ट करो। ओके, ये जो टीम सिलेक्ट करेगा फाइनल है। चलो चलो। India celebrates as an independent country. India announces hockey as its national game. Independent India wins its first World Cup for hockey. Vande Mataram! Vande Mataram! हमारे गांव के बहुत ही फेमस और ऐतिहासिक
बी चिट्टी बाबू हॉकी ग्राउंड में 64वें वार्षिकोत्सव के संदर्भ में हमारे गांव के शान और आन श्री चिट्टी बाबू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे प्रिय नेता क्रीड़ा शाखा मंत्री राव रमेश जी मुख्य अतिथि बनकर यहां आने वाले हैं। इस सभा में आए हुए भाइयों को, बहनों को, छोटों को, बड़ों को और बुजुर्गों को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ आए हुए इन युवाओं को और खिलाड़ियों को देखकर मुझे महाकवि श्री श्री की हुई बातें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि देश से प्यार करो और अच्छाइयों को आगे बढ़ाओ। ये कविता तो दूसरे कवि की है सर। इसीलिए कह रहा हूँ, रामायण लिखने वाले रामानंद सागर हैं, महाभारत लिखने वाले बाके भैया हैं। ऐसे गलत सलत बोलूंगा तो ही ये मीडिया वाले मेरा नाम खराब करने के लिए बार बार उनके चैनल में दिखाएंगे। कम से कम ऐसे दिखाएंगे तो ही इस ग्राउंड के बारे में पता चलेगा, और यही मेरी छोटी सी आशा है। इस सभा के द्वारा मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, हमारे हॉकी खिलाड़ियों की स्टिक झुकी हुई होती है, लेकिन आप किसी के आगे ना झुके, इसलिए मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। मैं खिलाड़ियों की आजादी छीनने नहीं दूंगा। कसम है मुझे इस ऐतिहासिक ग्राउंड की, इस बार का कप हम ही जीतेंगे और हमें जीतना ही है। अब आपसे आज्ञा चाहता हूं। अरे ये क्या हो गया? सर, आप यहाँ कैसे? दरअसल मैंने सुना है कि इस ग्राउंड का बहुत बड़ा इतिहास है। हाँ बिल्कुल, इस बारे में मिनिस्टर साहब से पूछना था लेकिन वो तो चले गए। अब मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सर, आपको इस ग्राउंड का इतिहास चाहिए ना? बिल्कुल, मेरे परिचय के पुराने चाचा है, चलो मिलाता हूँ। चलो आइए सर, यही है पुराने खिलाड़ी। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते सर। चाचा, चिट्टी बाबू की कहानी सबको सुनाते रहते हो ना? हाँ, इनको भी सुना दो। अच्छा, पूरी कहानी बता देना। हाँ हाँ, चलता हूँ। अगर कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। बता देना। पहले ये जूस पी लो बाबू। संतरा। चिट्टी बाबू जी एक बड़े। आप ये सारी बात माइक में बोलिए। अच्छा, मेरी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड करोगे क्या? अरे पूरी दुनिया आपको टीवी पर देखेगी। ठीक है, चिट्टी बाबू जी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे साहब, हमारे लिए भगवान थे। तब मेरी उम्र कुछ 16 साल की होगी। अंग्रेजों से हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी फ्रांसीसियों के शासन के राज्यों में 1854 तक आज़ादी नहीं मिली थी। हमारे यानम के साथ बाकी राज्य भी फ्रेंच राज्य की तरह बन चुके थे। भारत देश में आनुवंशिक खेती मतलब जेनेटिक फार्मिंग की शुरुआती दिन थे वो। इस फार्मिंग को देखकर फ्रेंच उद्यमियों ने उर्वरक तैयार करने की फैक्ट्री अगर डालेंगे तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं ये सोचा, और यहीं से असली समस्या शुरू हो गई थी। फैक्ट्री से बाहर निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ को नदी में मिला देंगे तो वो अपने आप समुद्र में मिल जाएंगे ये सोचा उन्होंने। समुन्दर के किनारे वाली इस ग्राउंड की जमीन पर उस फैक्ट्री को बनाने के लिए फ्रेंच गवर्नर को पूछा था। हमारे ग्राउंड को हम हाथ से जाने देते क्या? उस जमाने में जमीन को लेकर कोई भी झगड़ा होता तो कोई भी एक मुकाबला चुनकर उसमें जीतने वाले को वो जमीन दिया करते थे। अंग्रेजों की क्रिकेट जितनी फेमस है, फ्रेंच लोगों का हॉकी फेमस है, इसलिए फ्रेंच कंपनी और यहाँ रहने वाले मछुआरों के बीच हॉकी प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। फ्रेंच कंपनी के पास पैसा था, ताकत थी, हमारे पास क्या था, हमें कौन बचाएगा? 1947 के ओलंपिक्स में इंडिया के लिए खेलने वाले इकलौते हमारे इलाके के चिट्टी बाबूजी। पूरे गांव वालों ने चिट्टी बाबू पर उम्मीदें लगा रखी थी। हमारी टीम की तरफ से खेलने के अलावा हमारे कोच भी वही बने थे। मुझे देखकर तेरी आंखों में कोई डर नहीं है ऐसा कहा उन्होंने, हमारी टीम के लिए तुम ही गोल कीपिंग करोगे कह दिया। एक गोल भी नहीं होने दिया मैंने।
फ्रेंच कंपनी को हमने 3 गोल से हराया था। ये देखकर गवर्नर ने भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। खेलने की वजह से जनता सेहतमंद रहेगी, ये कहा उन्होंने। उन्होंने हमारा ग्राउंड हमें वापस कर दिया। इसलिए हमारे गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक ग्राउंड ही नहीं है, हमारे चिट्टी बाबूजी का मंदिर है। हाँ, मंदिर है। हेलो। हेलो भैया। बोलो बहना, इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया? संजू छोटे से काम के लिए यानम आ रहा है, आप उसका थोड़ा ख्याल रखना। मर गए। क्या कहा, संजू यानम आ रहा है? अरे उसे तकलीफ क्यों दे रही हो? कोई काम है तो मुझे कह देती, मैं कर देता। अरे भैया, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो अपना काम कर ले। जैसी तुम्हारी मर्जी। भान जाने से सब खुश होते, आप उदास क्यों हो? अरे वो संडे को आने वाले त्योहार की तरह है। त्योहार आने से मैं खुशी मनाऊं या संडे आने का मातम मनाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसने ऐसा भी क्या कर दिया? फ्लैशबैक। बहना, तुम बड़ी होने के बाद क्या बनना चाहती हो? मैं तो डॉक्टर बनूंगी, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट। और तुम क्या बनोगे संजू? मैं तेरी बहन का पति बनूंगा यार। यहाँ आने से पहले जरूर उसने कोई प्लान बनाया होगा। अगर गलती से भी वो मेरी बेटी को पसंद आ गया तो तेरी बेटी का पति बनूंगा, तेरे लिए यमराज बनूंगा। वेरी फनी। बेटी, कल एग्जाम है ना, तुमने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर किया है पापा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका आविष्कार किसने किया? नहीं पता ना? फिर क्या पढ़ाई की? हट यहाँ से। बेटी पैदा की है या झांसी की रानी? मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाइए। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण तूफान अलर्ट किया गया है। बाहर इतना अच्छा मौसम है कि तूफान की क्या बात कर रहे हैं? सांभर डाली और दीजिए ना। अरे धीरे से बेटा। ठीक है, सांभर दूं आपको। अरे वाह, आपके सांभर का कोई जवाब ही नहीं है, बचपन की याद दिला दी। बचपन में हम बहुत एंजॉय करते थे ना, है ना मामा जी? ये बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहता था। ये भी कुछ कम नहीं था पापा, छोटा था तब कहता था दिव्या से शादी। हे भगवान, बेवकूफ, कितनी बार कहा तुमसे कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं, वरना खाना गले में अटक जाएगा। सबसे पहले बात किसने शुरू की, आप ही ने ना? चुप कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझे खाना खाने का एक्सपीरियंस है, तू अब भी छोटा है। गले में खाना अटक गया ना तो मर जाएगा, चुपचाप खाने का। तुम भी चुपचाप खाओ, चुपचाप खाना चाहिए। सर, वेलकम सर। कैसे हो? अच्छा हूँ, यू कम वेरी वेरी हैप्पी जी। ये अरविंद जी है, जीएम ऑफ टेट्रा स्टार मेडिकल कंपनी। ओ सर, वेलकम सर, आइए आइए प्लीज। आप टेंशन मत लीजिए, आप समझ गए ना? दिल्ली से शर्मा जी आए हैं। हाँ आप जाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। आइए सर।
सेंट्रल लीडर है सर, बॉडी लैंग्वेज सर। इतना झुकूंगा तो चलेगा ना? बिल्कुल यही चाहिए था। 1 2 3 शर्मा जी शर्मा जी बैठी बैठी बैठी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दूर से आए हैं, बोलिए। आप ही बात कीजिए। गुड मॉर्निंग राव रमेश सर, माय नेम इज अरविंद नायक, मार्केटिंग हेड ऑफ टेट्रा स्टार कंपनी। एनीवेज राव सर, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स टॉक बिजनेस। हमारे इस गांव में फूल कभी गिरते नहीं, गिरे फूल बिकते नहीं, बिके हुए फूल अच्छे नहीं होते, अच्छे ना हो तो बिजनेस नहीं, बिजनेस नहीं तो नींद नहीं, नींद नहीं तो सेहत नहीं, सेहत नहीं तो जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं तो डीलिंग नहीं। सर आपने जो बताया वो बिल्कुल भी नहीं समझे। 2000 साल पुरानी हिंदी भाषा नहीं जानते आप? अब आजकल आई हुई इंग्लिश भाषा के बारे में जानना होगा, ये कहाँ का इंसाफ है यार। सर ये कह रहे हैं कि जैसे आपको हिंदी नहीं आती है, सर को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए बिजनेस के सारे टॉक्स हिंदी में कीजिए। I can speak Hindi. बोलो बोलो। Tetra Medical Company wants to build a factory in Yanam. इसके लिए बी चिट्टी बाबू की हॉकी ग्राउंड चाहिए। कौन सा ग्राउंड है यार? वही जहाँ आप कल गेस्ट बनकर गए थे। बोलिए बोलिए। There are going to be lot of opportunities like hospitals, shopping malls, multiplexes. ये पूरा गांव बहुत डेवलप हो जाएगा। हाँ गांव तो डेवलप हो जाएगा, पर हमारे डेवलपमेंट का क्या होगा? इसकी समझ में कुछ आ रहा है? एक मिनट सर, एक बात बताइए सर, आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है? 100 crores। ओह, बड़ा प्रोजेक्ट है। यस, 10% आपका होगा, काम स्मूथ हुआ तो 2% एक्स्ट्रा। आप रे, मतलब 12 crores? यस। करते हैं, जरूर करेंगे। वैसे उस ग्राउंड की जरूरत क्या है आपको? आपको दूसरा ग्राउंड दिखाता हूँ, सिटी के बीचों बीच में 15 acres, ट्राई कीजिए, ले जाइए फ्री में। सर रुको रामू, वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? ले जाइए ले जाइए। हाँ सर, वो क्या है कि क्या बताऊं, आपस में बातचीत हो रही है, आप उनसे आप ही बात करके फाइनल करो। नहीं चाहिए ना? नो सर। वही ग्राउंड चाहिए ना? यस सर वही ग्राउंड चाहिए हमें। देख लिया ना? हाँ आ गया। अब आप ये बताइए क्या आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है? वो मैं बता दूं आपको, 500 crores है ना। चोरी करने की पॉलिटिक्स में हमने PhD किया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ गेम्स खेलोगे? आप बताइए परसेंटेज कितना मिलेगा? 12% सर। 500 crore का कितना होगा? 60 crore सर, प्लस 1% झूठ बोलने के लिए, प्लस 2% इंग्लिश में बात करने के लिए, और कुल मिला के 15% सर। टोटली 75 crores फिक्स। सर सर वो हाँ वो तो इन्हें पे करना ही पड़ेगा, सिस्टम में अपलोड जो हो गया है, क्या कर सकते हैं? क्या यार शर्मा जी, हम सभी लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, वो कंपनी चला रहे हैं, मैं पार्टी चला रहा हूँ, दोनों की जरूरत पैसा ही है, काम हो जाएगा, कह दीजिए उनसे। ऐसा नहीं है सर, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं बॉस से बात करके आपको बताता हूँ। बॉस से बात करोगे? अच्छा तो तुम बॉस नहीं हो क्या? बीच वाले हो क्या? अरे शर्मा जी, आप भी ऐसों को लेकर आ गए मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए। टाइम वेस्ट। सर राहुल जी, अरे अगर दोबारा मेरे घर के सामने दिखाई दिया ना तो मैं तुझे गायब कर दूंगा। क्या यार, तेरे ससुर जी गायब करने की बातें कर रहे हैं? ससुर जी कोई नया मैजिक सीख कर आए हो क्या? मैजिक? अभी देख मैजिक, चप्पल से चमड़ी उतार दूंगा, मुझे ससुर बनाए, जो भी मेरी बेटी को देखेगा उसकी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। आपने बुलाया मामा जी? तो मैं नहीं बुलाया, मैं उस बेवकूफ की बात कर अच्छा, रहा हूँ। बेवकूफ से बात कर रहे हैं? ए सत्या, ये तुझे बुला रहे हैं यार। क्या पापा, आपने मुझे बुलाया क्या? तू बेवकूफ है क्या? नहीं तो। तू बेवकूफ है क्या? नहीं ना। तो चुपचाप गेम खेलना। ए सत्या जरा इधर, ये कौन बंदा यार जो मामा जी को इतनी टेंशन दे रहा है? महेश है यार, वो बहन का क्लासमेट है। अच्छा, महेश लड़का अच्छा है लेकिन उसका कलर थोड़ा काला है। कलर के बारे में हम क्या बात करें यार, उसका फोटो तो देखा इंस्टाग्राम। इसकी इतनी हिम्मत की हमारे घर की लड़की को लाइन मारता है, बता इसका क्या करना है? बट वाई? पता ना वाई। अरे बता, उसे मार देते हैं? हाँ मार देते हैं। चलो मार देते हैं। चलो मार देते हैं।
नंदा नंदा ए तू नंदा है तो मैं भद्री बद्रीनाथ तो क्या हुआ ए संजू गाड़ी रोक 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 अरे बाप रे बाप रे क्या साले साहब मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे मारने आए हैं लेकिन मैंने कभी दिव्या के साथ गलत किया है क्या मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ साला किसको कह रहा है सत्या सत्या हूँ मैं तू सत्या है तो मैं विक्की महेश हूँ क्या कर लेगा क्या कर लेगा छोड़ से चल नीचे बैठ बैठना बैठ बैठ जा चिल्ला क्यों रहा है बाजू में तो बैठा है कौन मैड तू फोन निकाल फोन निकाल ये लड़की देख रहा है मुझे ये लड़की नहीं चाहिए मुझे इसकी बहन ही चाहिए इधर आ तेरी पसंद कौन पूछ रहा है यार ये लड़की मुझे पसंद आ गई है तू जानता है कैसे मुझे बोल रहा था कि भाई इस लड़की को छोड़ दो भाई बगल की लड़कियों को देखो मेकअप करके कितनी सुंदर दिख रही है चाहिए तो इनमें से किसी एक की सेटिंग लगा देता हूँ इसे छोड़ दो भाई अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार बाजू की लड़कियों को देखो इतना सारा मेकअप करके अजीब सा हेयर स्टाइल बना के बहुत ही फेक लग रही है यार लेकिन इस लड़की को देखो कितनी नेचुरल लग रही है बिना मेकअप के स्वीट स्माइल के साथ एकदम रियल लग रही है आज की दुनिया में अच्छे लोग मिलते हैं या नहीं मुझे नहीं पता रियल पीपल मिलना बहुत मुश्किल है बहुत सालों के बाद मुझे ऐसी लड़की मिली है अब बताओ इस लड़की से परिचय कराओगे या नहीं इस एक फोटो में आपको इतना सब दिखाई दिया आप धन्य है प्रभु वैसे मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा वो लड़की बड़ी ही दबंग है भैया दबंग के साथ दबंगगिरी करना तो हमारी शान है इसका नाम क्या है क्या करती है और कहाँ रहती है अरे कब आएगी यार क्या पता ही वो दे इतनी स्पीड से कहां भागी होगी यार ये तो हमारी तरफ देख रही है किस स्टिक लेकर हमें मारने आ रही है हमें क्यों मारने आएगी सत्या 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 रुक जाओ कहां भाग रहे हो रुक जाओ रुको तुम मुझसे चीट करोगे हां अभी बताती हूं अबे बचा ना उसको मैं क्या कर सकता हूं यार कड़ा आया ये ले ये ले मैडम 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 ये तू भागना मैडम मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम 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 ये क्या मैडम नहीं मैडम मैडम हैंड्स अप मैडम हैंड्स अप तुम दोनों हो कौन हम कौन हैं हम आपके फैंस हैं मैडम फैंस क्या फैंस मतलब थोड़ी देर पहले बाइक रेस में आप दो लड़कों को ओवरटेक करके गई थी ना मैडम उस रेस में हारने वाले हम ही हैं मुझसे भी अच्छी एक लड़की को बाइक चलाते हुए देखकर आपका बड़ा फैन हो गया मैडम यही बताने के लिए आया था ऐसे तो बहुत है आप बुरा ना माने तो सिर्फ दो मिनट बैठ कर बात करें क्या सांस फूल रही है क्या बात करनी है हाँ वो मैडम आपने उस बेचारे को इतना क्यों मारा देखिए मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ और मेरा पूरा फोकस गेम पर होता है मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन प्रैक्टिस करते रहती हूँ पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होता है और वो कहाँ गया हा? नाम है विष्णु कॉलेज का टॉपर वो प्यार में पड़ा और पढ़ना छोड़ दिया और मैंने उसका पेपर कॉपी किया और मैं फेल हो गई इसलिए उसकी धुलाई करने आई थी ग्रेट 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 कल मेरा और एक एग्जाम है वो कैसे मैं पास करूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम आप थोड़ा शांत हो जाइए मैडम आप बात बात में स्टिक क्यों उठा लेती हैं बैठिए अरे बैठिए तो सही बस इतनी सी बात आप कल आराम से एग्जाम दीजिए पास हो जाएंगी पास कराने की जिम्मेदारी मेरी वो कैसे मैडम फैंस पर भरोसा करने वाले कभी धोखा नहीं खाते हम इसमें स्पेशलिस्ट हैं ट्रस्ट मी सास काम करे तो बहू खुश रहती है और बहू काम करे तो सास रहती है क्या कहा सास भी कभी बहू थी पता है कैसी अजीब बातें कर रहा है कौन सी समझदारी की बात कर रहा है पढ़ाई से हमारा क्या लेना देना उसको कैसे पास करवाओगे ये सब मैं नहीं जानता वो मुझे पसंद आ गई है उससे वादा किया है तो निभा कर अब सर वो हॉकी वाली लड़की को पढ़ाएंगे और साथ में पास भी करवाएंगे अरे यार ये आईडिया अच्छा लग रहा है मतलब उस लड़की को पढ़ाकर पास करवाएंगे
फर्रे बनाकर नहीं लाई क्या? सर कसम से सर, मैं कुछ नहीं जानती सर, सच में सर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी खाली है, इसलिए फर्रे मैं ले आया। टीप लो, कॉपी करो फटाफट, एंजॉय करो। मामा जी। बोल भाई वांजे। असल में मैं यहाँ क्यों आया हूँ पता? कसम से मैं नहीं जानता। मैं ना किसी भी तरह दिव्या से शादी करके। क्या कहा? अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ एक और लड़की को देखने के बाद उसी से शादी करने के लिए फिक्स हो गया हूँ मामा जी। अच्छा किया। वो लड़की एग्जाम में बिना पास हुए मुझसे शादी नहीं करेगी। आप ही के कॉलेज की है। एग्जाम में पास होने के बाद तुझसे शादी करेगी ना? आपकी कसम मामा जी। मेरी कसम? मेरी भी कसम मामा जी। तू मर जाएगा रे। सर, सर। क्या हुआ राजा? वो लड़की चीटिंग कर रही है सर। लावण्या छुपा ले, छुपा ले। कहाँ है वो? उधर देखिए ना सर। अरे किधर देखूं? ये कर तो रहे थे। अबे लंपट, तेरी परेशानी क्या है? अपने कपड़े पर नजर रख, वरना मैं फेल कर दूंगा। बेटा खुल के चीटिंग करो। ओके है ना? हाय 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 हाय। अरे ए, इधर क्यों आया? मेरा कोच बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम्हें एग्जाम में पास करवाया है, एक थैंक्स तो कह सकती हो ना? मैं नहीं कहूंगी। क्यों? तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे लाइन मार रहे हो, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो। कोई सोशल सर्विस थोड़ी ना कर रहे हो तुम। हाँ अच्छा। हेलो 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 मैडम, इतने बड़े सपने मत देखो आप में, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम। मैं ना मन फिल्म का आमिर खान। हाँ। दूर से ही अपने फ्रेंड की सक्सेस को देखकर खुश हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, कल फैन कहा था और आज फ्रेंड कह रहे हो, कल तुम और क्या कहने वाले हो? देखो लव, हर खेल में अपडेट तो होना ही चाहिए ना, नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। कल फैन था, आज फ्रेंड हूँ, कल क्या हो जाऊंगा किसे पता। देखते हैं। ये मेरा ही नंबर है, फ्रेंड नाम से सेव कर लो। ए, ठीक से खेलो, मुझे तो ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है ना? लावण्या, मेकअप। London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, falling down. Bro. अरे तू यहाँ? वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? रात में तू मेरे सपने में आया था, तो बस तुझसे मिलने के लिए आ गया। चुप हो जा यार, मजाक मत कर, मुझे पता है तू लावण्या के लिए आता है। हाँ तो जब तुझे पता है तो क्यों पूछ रहा है? चल दिखा कहाँ है वो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर तू मेरे लव में हेल्प करेगा तो ही मैं तेरे लव में हेल्प करूंगा। यार इतना भी सेल्फिश मत बन। अरे बाप रे, कौन जा रहा है? अरे चलो महेश, बैठ में जाएगी हमारे। अबे तुझे गुड मॉर्निंग सर। यू गाइस कैरी ऑन। ओके सर। प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो क्या है कि ये कौन है? सर मैं वो कजन है सर। हाँ भूल गया था मैं, कजन हूँ सर। चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। वो क्या है ना सर, मेरा जन्म आधी रात को हुआ था और इसका सुबह सवेरे। करेक्ट सर। सर सर मेरा कजिन अपने गांव का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। कजिन बॉडी बिल्डर सीखा ना? आम सर, सॉरी सर। यार ऐसे आम सर, ऐसे दिखाओ। ओ अच्छा ऐसे। अपने गांव का बड़ा बॉडी बिल्डर। हाँ सर, सर बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मसल्स थोड़े वीक हो गए सर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप दो दिन की परमिशन देंगे तो। दो राउंड लगा लूंगा तो बॉडी की सारी चर्बी गल जाएगी सर। हाँ सर, अगर आप परमिशन देंगे तो ही हम वर्कआउट करेंगे। किसी को डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ ट्रैक पे दौड़ना पड़ेगा। ओके सर। हाथ नीचे करो। सॉरी 15 राउंड्स डेली। ओके सर। चल 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 चल। मैं पता है, ऐसे पकड़ कर ऐसे घुमाना है, अगर नहीं लगा तो कोच आकर सिखा देंगे। अरे बेटा कौन है ये लड़का?
मेरा कजिन है सर, कोच की परमिशन ले लिया मैंने। कोच की परमिशन काफी नहीं है, मैं ग्राउंड का इंचार्ज हूँ, मेरी भी परमिशन लो। अरे ब्रो, ग्राउंड का इंचार्ज है, गुड मॉर्निंग कह देना, पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, जाकर राउंड मारना। हाँ सर, लगता है कवि ने सर पे सफेद कर दिया, देखिए जरा। ऐसा क्या? वो कौन है यार, छोटे बच्चों को डरा रहे? अच्छा वो क्या, देखने में किंग कॉन्ग लगता है पर कुंग फू पांडा जैसा है। ए, तेरा शू का है? हमने नहीं देखा। मुकेश, ये कौन है? हाँ, मेरा फ्रेंड है सर, नाम सनी लियोनी है। बाय सर। बाय सनी। ए महेश, टू मोर राउंड्स। ओके ओके। अजीब बंदा है, सनी लियोनी को भी नहीं जानता। इस ग्राउंड के पीछे की स्कूल का पीटी मास्टर है, स्कूल का ग्राउंड ने इसलिए हमारे कोच ने आया उसे खेलने की परमिशन दी है। काफी बड़ा दिल है तुम्हारे कोच। ये कौन है जो हॉकी स्टिक को घूर रहा है? वो क्या, उसका नाम आसिफ है, 2 महीने पहले बैंगलोर से ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। डिस्ट्रिक्ट का वाइस कैप्टन है, कोच का चहीता है, इसलिए खुद को ही कोच समझता है। मुझे देखकर उसकी फट जाती है। आसिफ भाई, देखो ये आपका कुछ कह रहा है। हाय परवाई का, मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि किसको देखकर किसकी निकल जाती है। लवणिया ब्रो, ये लो बेटी, थोड़ी हिम्मत कर और आ जा। ब्रो नहीं, ब्रो नहीं। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, अब मैं फैन नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ। हेलो, तुम ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सुबह से 3 कॉल्स और 4 मैसेजेस कर चुका हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, वही पूछने आया हूँ। टेल मी व्हाई। फ्रेंड ऐसे ही होते हैं क्या? फ्रेंड हूँ इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा हूँ, अगर मुझे तुम में इंटरेस्ट होता तो तुम्हें फील हो जाता और बात नहीं करोगी सोच के मैं टेंशन में आ जाता। फ्रेंडशिप का मजा ही कुछ और है यार। मेरी तरफ से एक सॉन्ग सुनो। अरे विटलापुर महेश्वर राव। दादाजी आपसे कितनी बार कहा है मैंने, कॉल मी विक्की, महेश विक्की। अरे छोड़, मेरे बाप का नाम मेरा नाम मिलाकर रखा है तेरा नाम, मैं तो ऐसा ही बुलाऊंगा। ये तेरे दादाजी? हाँ ब्रो, वहाँ मूर्ति दिख रही है ना चिट्टी बाबू की, उनके जनरेशन का लास्ट पीस है, 80 नॉट आउट, उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। आप हॉकी खेलते हो दादाजी? हाँ मैं हॉकी प्लेयर था बेटा। अरे बाप रे, जो नहीं पूछना था वही पूछ लिया तूने ब्रो। ऐसे महान खिलाड़ी के ग्राउंड में खड़े होकर उसके दोस्त के साथ बात कर रहे हो तुम? अरे आपको कोई बुला रहा है दादाजी? कौन बुला रहा है? चल भाग निकल। कहाँ गए? ये तो बेकार है। अरे क्या है ये? सर अगला देखिए ना सर। अरे क्या देखूं मैं? अरे कुछ ऐसा तड़क भड़क कर कि वायरल हो जाए। लिखो, जगन को चंद्रबाबू को राजनीति सिखाने वाला राम रमेश है, ऐसा कुछ लिख के डाल। ओवर हो जाएगा सर। ओवर रहेगा तो ही तो ट्रेंडिंग में आऊंगा ना, इसीलिए तो आपको पैसा देकर पाल रहा हूँ, पकड़ो उसे। ठीक है, चलना निकल। सर फोन, सर स्पीकर, स्पीकर ऑन कर। सर बीचिटी बाबू हॉकी ग्राउंड का बहुत बड़ा इतिहास है सर। ये कौन है यार? स्पोर्ट्स डायरेक्टर रघु सर। हाँ रघु बोलो क्या बात है। सर हमारे ग्राउंड के अकेडमी से स्टेट के लिए बहुत सारे खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं सर। हाँ तो आपने उस दिन ग्राउंड के एनिवर्सरी में कब जीत कराओ कहा था? हाँ तो इस ग्राउंड का इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास का नाम मत लो, मुझे जलन होती है। तुमने कभी मेरी कटआउट्स को नहीं देखा क्या? द लिविंग लेजेंड, इतिहास रचने वाला नेता हूँ मैं। हाँ देखा था। ऐसे ही कुछ मत बोलो, वो ग्राउंड मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल बनाने के लिए लीज पर मिल सकता है या नहीं ये बताओ। सर इलीगली तो हम लीज पर नहीं ले सकते, लीगली जाएंगे तो एक ही रास्ता है सर। पहले वो बताओ, लीगल वाला ही काम करेंगे, इलीगल वाला काम कुछ नहीं करेंगे। सर स्टेट टीम के प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अथॉरिटीज में ये भी अकेडमी आती है। अगर कोई भी एकेडमी सही से परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसे अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल देते हैं, ऐसी एकेडमी के ग्राउंड्स को ही लीज पर ले सकते हैं सर। तो सोचना क्या है, वैसे ही कर दो। लेकिन पिछले 4 सालों से उस एकेडमी से कम 2 प्लेयर्स तो सिलेक्ट हो ही रहे हैं सर, वो इसलिए क्योंकि उनका कोच एक्स मिलिट्री है, उसने प्लेयर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह की है सर। कौन है, शाहरुख खान है क्या? सर वो इंडिया में आधे लोग अभी भी हॉकी कोच बोले तो शाहरुख खान ही समझते हैं, इस कोच को कौन पहचानेगा? उस एकेडमी को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालने के लिए मुझे क्या करना होगा ये बताओ। अगर ऐसी बात है तो हमें उन्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा। उनका कोई भी प्लेयर किसी भी कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है। ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे सर। नहीं होना चाहिए। सर उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए सर। ऐसा करेंगे तो जवाब देना होगा। कुछ भी करके मैनेज कीजिए ना। लेकिन क्या बोलेंगे? इल्यूमिनाटी कहते ना। इल्यूमिनाटी मतलब? हम कोई गलत काम करते हुए रेड हैंड पकड़े जाएंगे तो जो दिखाई नहीं देता उस पर इल्जाम डाल देंगे, उसके बारे में सभी सर खुजाते हुए सोचते रहेंगे और उसी कैप में हम भाग जाएंगे, तो इसे कहते हैं इल्यूमिनाटी। ओहो, लेकिन सबूत क्या देंगे?
सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए। झूठ को सबूत की क्या जरूरत है? किसने कहा था बताओ? किसी महागुरु ने कहा होगा सर। अरविंद स्वामी ने कहा था ध्रुव सिनेमा में। हाँ याद आ गया। चल पहले काम कर यार। ठीक है सर, लेकिन मेरा प्रमोशन। पहले काम करो बाद में देखते हैं। डायरेक्टर है यार। हेलो हेलो एंग्री बर्ड, तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? बेवकूफ फ्लट। अरे फ्लट हूं लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? देखो लव, हर किसी में दो इंसान होते हैं। एक को सारी दुनिया पहचानती है और दूसरे को सिर्फ हम पहचानते हैं। जब भी तुमसे मिलता हूँ ना, वो दूसरे वाला बाहर आ जाता है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बचपन से लोगों से सुनते आ रही हूँ, लड़कों पर भरोसा मत करो, भरोसा मत करो, उनसे दूर रहने की कोशिश करो, सिर्फ तुम जैसों की वजह से। लव, लव, शुरुआत में मेरे जैसे लड़कों पर डाउट आता है, देखते ही देखते भरोसा भी हो जाता है। मुझे बुरा भला कहकर फालतू में ही बाद में बचता हूँ। क्या है? ओए कहकर बुलाती जो तुमने मुझे देखा ना, 3 सेकंड्स तक तुम्हारी फुल अटेंशन मुझ पर थी, वो कमाल की फीलिंग थी। बियर पियोगे? चीची, ऐसी बुरी आदतें मुझ में नहीं। हाँ क्या, मैं तो साल में एक बार पी लेती हूँ। मैंने सोचा इस बार तुम कंपनी दोगे, लेकिन इट्स ओके। अब बियर फ्रूट से बनती है ना, हार्ट के लिए अच्छी होती है, तो गूगल में पढ़ा था मैंने। आई स्टार्ट टुडे। अच्छा लव, इससे ज्यादा स्मार्ट तरीके से बात करना मुझे नहीं आता। चीयर्स। ये अचानक बियर क्यों पिला रही हो? इरादा तो ठीक है ना? इरादा विरादा कुछ नहीं, चढ़ गई है मुझे। सुबह से बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए पी रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे मम्मी डैडी के आने का टाइम हो गया है। व्हाट? चलते हैं, चलो। वेट 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 वेट, मतलब कि घर में कोई नहीं है? नहीं। तो मुझे ये बार सीढ़ी से क्यों बुलाया? दरवाजे से आने देती ना। तुम मेरे लिए ऊपर चढ़ोगे या नहीं ये देखने के लिए? अच्छी बात है, तुमने कर दिखाया। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। आंखें नहीं खोलोगे? आंखें खोलूंगा तो तूफान आ जाएगा। गो। कौन है वो? अच्छा वो क्या, अपने महेश के साथ आया था ना उस दिन, अपनी लावण्या के साथ बहुत ज्यादा घूम रहा है आजकल। और वो भी लावण्या, कौन है वो? हाँ, व्हाट? ये ग्राउंड है, यहाँ प्लेयर्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। किसी भी एरे गरे को लेकर आओगे तो ग्राउंड बाजार बन जाएगा। देखो आसिफ, तुम मेंस टीम प्लेयर हो, मैं वुमेन्स टीम प्लेयर, बस इतना ही। अगर गेम में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो,
लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो निकलो। आप सबके लिए गुड न्यूज है, इंडिया के तमाम क्लब्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ध्यानचंद मेमोरियल एकेडमी से 67 सालों से होस्ट कर रही है। सर नमस्ते। सर हाँ नमस्ते। रघु अंदर है? वो अंदर मीटिंग में है सर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, अमृतसर, चेन्नई में भी इन्होंने 6 बार होस्ट किया है। इस बार उन्होंने पंजाब के मोहाली में होस्ट करने का फैसला किया है। ठीक है, मैं यहीं वेट करता हूँ। हमारे लोगों को ट्रेल्स पे आने नहीं दिया, ये सब जानबूझ के हमें गेम से हटाने की साजिश है। हमारे ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल दिया है। लोग कह रहे हैं कि हमारे ग्राउंड को लीज पर देने वाले हैं। लेकिन रघु ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो कैसे बताएंगे सर, उन्होंने ही तो साइन किया है। यहाँ देखिए, सभी के सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, एक को भी सिलेक्ट नहीं किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट कैप्टन आसिफ को भी अलग कर दिया गया। अरे इसकी चाय बहुत अच्छी है, साथ में बिस्किट खाएंगे मजा आएगा। तुम टॉपिक मत बदलो यार। बोर्ड ने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं क्या करूं यार? ऐसा नहीं है रघु, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में कैसे डाला? सुनना, एकेडमी के पास फंड्स नहीं है। मैं चाय बनाऊं? अगर फंड्स ना हो तो एक ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालकर उसे लीज पर देकर उससे आने वाले पैसे से ग्राउंड को डेवलप करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर है यहां। हमारा ही ग्राउंड क्यों यार, हमारा ही ग्राउंड क्यों? इस साल सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन हर साल तो सिलेक्ट हो रहे हैं ना। यहाँ प्रैक्टिस के लिए आने वाले सारे बेचारे गरीब घर से हैं यार, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करने के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? hey, सरकारी आदमी को कितना कुछ सहना पड़ता जानता है तू? पॉलिटिशियंस, बड़े अधिकारी, उनके दिए हुए प्रेशर्स, वो जहाँ बोलेंगे साइन करो वरना ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। इस उंगली को देखो, सर्जरी हो गई है इसकी। अरे ये सब छोड़ो, दोस्त की तरफ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं हेल्प करूंगा। इस मामले में हेल्प करोगे या नहीं? ग्राउंड के विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं करोगे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाके खुद ही बात करता हूँ, रोकना मत। क्या कहा तुमने? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जाकर खुद बात करोगे? हाँ करूंगा। उसी ने तो मुझसे साइन करवाया है। क्यों रघु, कौन है ये? सर बताया था ना, ये मुरली है, ग्राउंड कोच। हाँ हाँ, मिलिट्री कहा था ना, ये वही है क्या? नमस्ते सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कुछ नहीं सर, हमारे ग्राउंड के लड़के सिलेक्शन के लिए गए थे। लेकिन वहाँ कोई सिलेक्ट तो नहीं हुआ ना? अरे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेंगे तो कैसे सिलेक्ट होंगे? हाँ गवर्नमेंट फंड देती है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतना बुरा खेलेंगे तो कैसे सिलेक्ट? नहीं सर, लड़कों ने अच्छा खेला था। खेला होता तो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, यही कह रहा हूँ। देखो ये गलत वलत मुझे, मैं समझाता हूँ। ये बताइए, बच्चा फेल होगा तो टीचर से मिलेंगे ना, डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने थोड़ी चले जाएंगे? सर कितने बड़े मिनिस्टर हैं। सर मुरली ने ऐसा तो नहीं कहा सर। तो कैसा कहा उसने? मैं बताता हूँ सर, मेरा मतलब मैं समझाता हूँ सर। असल में हमारे ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाला है सर। हर साल कम से कम 4 खिलाड़ी सिलेक्ट होते ही हैं, बस इस साल सिलेक्ट नहीं, इसीलिए उसको अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाला है। देखिए इस अंडर परफॉर्मिंग ग्राउंड को लीज पर देंगे तो आने वाले पैसों से कम 6 ग्राउंड्स डेवलप कर सकते हैं, और वैसे उन ग्राउंड्स में मैं आप जैसा कोई कोच बनाऊंगा। वैसे उस ग्राउंड को किसी और को नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए दे रहे हैं। कितने दिन आप दूसरों के पास जाकर इलाज कराएंगे? हमें भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए ना। परसों ही अपने गांव में एक किसान का बेटा दिल का दौरा आकर टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती न होने की वजह से उसकी जान चली गई। उसी टेंशन में उसके माँ बाप भी चल बसे, बेचारा उसका भाई नक्सलवादी बन गया। सर आप तो किसी फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं। ऐसे किससे सुन सुनकर कौन सा सिनेमा है, कौन सी हकीकत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपके लिए आसान करता हूं, बस स्टैंड के बाजू में इससे 5 गुना बड़ा ग्राउंड है, फंड्स सैंक्शन करवा कर उसे एकेडमी बना देते हैं। स्टूडेंट्स को और प्रतिमा को ले जाकर आराम से प्रैक्टिस कीजिए आप। नहीं सर, वो ग्राउंड हॉस्पिटल को दीजिए और हमारी ग्राउंड हमें। मुझे समझा रहे हो? जो भी करना है हम जानते हैं। क्या यार ये, सॉरी सर, सर इन्हें ले जाइए। रुकना एक मिनट, रुक रुक चलते। ऐसे क्या देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है? मुझे मारना चाहता है? अरे नहीं 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 नहीं, ये ले। सर 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 क्या कर रहे हो? रुक 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 रुक, चल शूट कर, ले 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 ले, शूट कर शूट कर। अरे कोई बात नहीं, ले ले, हाथ में ले ले, ले ना।
शूट करने के लिए गन ले रहा है? नहीं 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 सर। हाँ? वैसे भी मिलिट्री वाला है ना। हाँ मिलिट्री वाला है। अरे देख क्या रहा है, समझाना इसे। समझाऊंगा सर, चल चल चल, मैं समझा दूंगा। चल 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 ना सर, दिल पे मत कीजिए, मैं समझा दूंगा। चल 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 चल। बाप रे, क्या यार, उस गन से उसे मार देगा क्या? हमारा टाइम अच्छा था इसलिए बाहर निकल कर आ गए। वो मिनिस्टर पक्का कोई प्लान कर रहा है। वो जो कर रहा है करने देना, तू कौन होता है सवाल पूछने वाला? प्लेयर्स का नाम खराब करने वाला वो कौन होता है? तेरे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं मान गया। इसके बाद वो बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है। क्या चाहिए सर? लिस्ट फिक्स हो गई। ठीक है तुम जाओ। मैंने कहा था ना तेरे प्लेयर्स बहुत बड़े तोप हैं। ये देख, ध्यानचंद टूर्नामेंट सक्सेस। इनसे खेलो, कब जीतो और न्यूज में आओ। इसे देखकर लोगों को कहना चाहिए कि ये बेस्ट टीम है, तेरे कहने से नहीं होगा। समझ गया ना? हॉस्पिटल को बस स्टैंड के पास बनाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। वो तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के नाम से वो मिनिस्टर जरूर कोई प्लान कर रहा, मुझे शक है। काफी सोचने के बाद भी मेरी समझ में कुछ नहीं। सर आरटीए फाइल करेंगे तो? आरटीए? जी सर, हमारे आसिफ के ब्रदर लॉयर है ना, उनसे एक बार बात करेंगे तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। हम उन्हें मना सकते हैं। सर सर एक मिनट। हाँ, एलएस मिल्स गर्ल्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है सर, टीम सिलेक्ट करनी है। कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ इस ग्राउंड को कैसे बचाना समझ में नहीं आ रहा, बीच में तुम आ गए। और स्टेट प्लेयर्स की लिस्ट रेडी हो गई सर। हाँ तो कहना क्या चाहते हो, गर्ल्स टीम को सिलेक्ट करना इतना ही ना? जी सर। अभी करवा देता हूँ, रुको। आसिफ सर कम ये, एलएस मिल्स टूर्नामेंट के लिए गर्ल्स की टीम सिलेक्ट करनी है, खुद देख कर सिलेक्ट करो। ओके, ये जो टीम सिलेक्ट करेगा फाइनल है। चलो चलो। नेहा, रम्या, पैरव, come on, girls, forward सभी पैरव हो जाए, central line cross करके defense repeat करोगे तो you are selected, right? आसिफ, फिर boys team? वो सब बाद में कर सकते हैं, उन्हें ready होने कहो। hey, जाके goalkeeper को ready होने बोलो। okay। hey, girls के selection के time लड़कों के क्या काम है? get out, out, out। आसिफ। hey, yeah। मेरा partner कौन है? you are not selected. Get out. So girls, get ready. किस लिए? तुमने ही कहा था ना, गेम में क्वेश्चन करो लेकिन पर्सनल लाइफ में दखल मत देना। तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सो यू आर नॉट सेलेक्टेड, सॉरी। ये तुम गलत कर रहे हो आसिफ। hey, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? पता है सर ने क्या कहा है? मेरा ही सिलेक्शन फाइनल है, इस टीम में अब तुम नहीं हो तो तुम बाहर जा सकती हो। अरे आसिफ, गुस्से से देख रही है। hey, क्या गुस्से में देख रही है? वार्निंग दे रही है। I asked you to get out. आसिफ, तुम ग्रजेस रख के बात कर रहे हो। ए, ये क्या फालतू की बात कर रही है? निकलने बोल इसको। ए, चल बाहर, समझ में नहीं आता क्या? वेस्ट ऑफ टाइम। चलो। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। क्या हुआ बताना। आसिफ, यू आर नॉट सेलेक्टेड, गेट आउट। मुझे गेम से बाहर कर दिया क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। डिसिप्लिन नहीं है? What is he thinking about himself? Lock him off, come on. Please यार, मैं जरा बात कर लूँ। Okay. चलो मैं देखता हूँ। नहीं जाने दो। Love, मैं कह रहा हूँ ना। चलो, चलो, बात करते हैं। I want all the markings to be set. No changes in the last moment. छोड़ो। सारे players ready है ना? आसिफ bro, क्या हुआ? क्या चाहिए? लावण्या चाहिए। लावण्या टीम में चाहिए। क्या मतलब? Bro, असल में मैटर ये है कि हाथ हटा। Okay. कूल, सिंपल मैटर है, लावण्या को भी टीम में ले लो ना यार। नहीं होगा। पक्का नहीं होगा? कॉन्फिडेंट है? ब्रो अभी डर रहा है लव, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इधर आ, कौन डर रहा है बे? तुम डर रहे हो बॉस, लावण्या को ट्रायल में भी बिना चांस दिए टीम में नहीं ले रहे हो, तो मतलब डर गए हो ना। इट्स ओके ब्रो, मैं तेरा डर समझता हूँ, लावण्या नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ट्रायल्स के लिए मैं रेडी हूँ, ओके, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कौन रेडी है पूछना? ए जरा पूछ। गर्ल्स, इसके साथ खेलोगे तो टीम में रहोगे, आप में से कोई रेडी है क्या? नो नो। देखा ना, इसके साथ खेलने के लिए कोई रेडी नहीं है, इसलिए कि वो डमी है, ये सबको पता है बॉस। ए ए, गुस्सा मत करो लव, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम रुको। सुन बे, इतना उछल रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं खेल लेते? क्या हॉकी? मैं नहीं खेल सकता। क्यों? और इसलिए कि ब्रो वीर है। शूर वीर है, लड़कियों के साथ नहीं खेलता, अगर कोई मर्द है तो उन्हें भेज दो। अरे सब लड़के यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बिल्डअप दे दिया, तू टेंशन मत ले।
बॉयज। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? भागो यार। अरे महेश, अबे रुक जा महेश। अरे तू मैनेज कर। चल शुरू हो जा। स्टिक तक पकड़ना नहीं आता तुझे। अरे फेंकते हुए नहीं देखा, नहीं तो मैं कैच कर लेता। पता नहीं ग्राउंड में क्या करेगा ये। हम रेडी हैं। अच्छा जानू, कमिट मत करो। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। मैं कह रही हूँ ना लावण्या, लावण्या मेरी बात सुनो। लव, देखो लव, मेरी बात तो सुनो। सबसे पहले डरो मत। ए, गेम में मारो तो फाउल होगा, फाइट में नहीं। थोड़ा देख कर मारना। संजू स्टिक बराबर पकड़ो, हार गए तो भी चलेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर निकलेंगे। स्टार्ट होते ही मैं आगे भागूंगी, मैं जैसे ही आगे भागूंगी तुम मुझे बॉल पास करना, बस बाकी का मैं संभाल लूंगी। सिर्फ बॉल पास करनी है ना? ठीक है, मैं कर दूंगा। लावण्या, लावण्या, अगर तुम आज यहाँ गोल मार कर टीम में सिलेक्ट हो जाओगी तो इवनिंग में एक एक बियर पिए। तू खेल तो ले पहले, सीरियस नहीं है बिल्कुल। क्या लगता है, मुझे बॉल पास करना भी नहीं आता? उसके स्टिक पकड़ने के स्टाइल से ही पता चल जाता है भाइयों, वो एक बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हें इतनी दूर से भी दिखाई देता है क्या? हाँ बेटा, वो सबको कैसे भगा रहा है देखो। We a tribe, we a tribe, we gon' take you by surprise. We gon' make you fall in line, step aside, this my fight. These ain't fans, my dog, fucker, this my family for life. These ain't gangs, my dog, I got homies on my side. Khel, khel, mein jo tune sabko dikhaye, tare ladna kya hota hai, ye bhool jayenge re sare. Aana, aage aana, zara dam to dikhana, yara sang tere ladne ka dhoondu main bahana. Zara sahi, jo bhi tujhe yakeen tare, khud pe aaj, use main mitaunga re. Kabhi bhi na dekha hoga anjaam aisa. वो दिखाऊंगा रे, आजा रे, आजा रे, सारे दिन में दिखा दूं तारे घबराता क्यों है प्यारे, हारने से डर क्या रे, आजा जरा देखे अंत तेवर उतारू सारे आज तेरा। तुझे
हौसला है टूटने रखा लेकिन आगे तेरे सर को झुकाना रे वक्त हमारा है रे अब तो सारा है रे दुनिया की नजरे जैसे कि सारा मेरे सपना बरस गया पूरा होने वाला छाया गगन में जादू मेरा ही छाया सर पे मेरे होता देख रहा सपना पूरा मेरा दूर 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 जा जा ये नजर मेरा ही देखो मेरा ही असर भागे 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 देखो जमाना है पीछे मेरे कभी 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 नहीं झुकता है सर रंग 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 लाई मेहनत मेरी जश्न है ये दुनिया के सारे मेरे साथ चल रहे आज साथ मेरे चल 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 कदमों में मैंने कहा था ना वो एक प्लेयर है चाचा जी आप कुछ मत बोलिए तीन दिन से स्टेट प्लेयर्स की लिस्ट लेकर घूम रहा हूँ यहाँ वो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है ऐसे फ्लो में मारा होगा स्टेट की लिस्ट में नेशनल प्लेयर नहीं मिलता है विक्की, डोंट स्लिंग द बैट सर आसिफ के भाई अब्दुल आए सर नमस्ते सर नमस्ते कैसे हैं सर मैं ठीक हूँ ऑल गुड सर आरटीए फाइल की थी ना सर उसकी रिपोर्ट आ गई है क्या है ये पूरा 10 एकड़ है सर इसमें से सिर्फ 5% हॉस्पिटल को देकर 9.5 एकड़ को टेट्रा स्टार मेडिकल कंपनी को दे दिया गया है ये टेट्रा स्टार क्या है सर वो एक मल्टीनेशनल मेडिकल कंपनी है बहुत सारे देशों ने इसे बैन कर दिया है सर इतना ही नहीं हमारे देश में भी बहुत से राज्यों ने इसे बैन कर दिया है अगर ये कंपनी यहाँ आ गई तो सिर्फ ये ग्राउंड ही नहीं आसपास के तमाम गांव भी बर्बाद हो जाएंगे उसे रोकने के लिए क्या करें सर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है सर इस ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी से निकालना होगा मतलब हमें ज्ञानचंद टूर्नामेंट को जीतने की जरूरत नहीं है क्वालिफाई में फ्रांसिस क्लब को हराना ही काफी होगा और हमें आसानी से कोर्ट से स्टे लेने का मौका मिल जाएगा सिर्फ यही एक रास्ता है लेकिन रजिस्टर्ड क्लब्स को ही मौका मिलता है हाँ तो क्लब स्टार्ट करके रजिस्टर कर लेते हैं क्या यार ये कोई मजाक नहीं है क्लब रजिस्टर करने के लिए होम ग्राउंड होना ही चाहिए अगर एकेडमी ग्राउंड लेना चाहोगे तो भी हमारे डिपार्टमेंट को 12 लाख रुपए रेंट में देना होगा 5 लाख रजिस्ट्रेशन के उसके बाद यहाँ वहाँ खिलाना होगा पूरे 20 लाख का खर्चा है हाँ तो पैसा होगा तो काम हो जाएगा है ना पैसा तेरी बेटी की फीस भरने के लिए तूने अपनी मोटरसाइकिल मुझे बेची थी याद है मेरी बीवी आज तक चिल्लाती है ये खटारा क्यों खरीद ली पैसों की बात करता है एक मिनट कहीं तू घर बेचने की तो नहीं सोच रहा अगर तू घर बेचना चाहेगा भी ना तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीद लूं चेकबुक मैंने लॉकर में रख दिया है ये ले ये क्या है घर बेच दिया पागल हो गया क्या मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ शौक मत दे मुझे घर में शादी के लायक दो बेटियों के रहते तूने अपना घर बेच दिया अब उनकी शादी कैसे करेगा पता सुन इन पैसों से कोई फायदा नहीं होगा 6 महीने पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है मेरी बात मान ये पैसा लेकर वापस जा और उनसे अपना घर ले ले ये ले एप्लीकेशन 6 महीने पहले का डेट अब तो साइन करेगा ना या तुझे भी अलग से रिश्वत देनी पड़ेगी तू पागल है बर्बाद हो जाएगा बर्बाद हो गया जा थैंक यू मेरी बात सुन ले हीरो जितनी तेजी से जा रहा है उतनी ही तेजी से वापस आएगा सुन उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए 5 स्टेट के प्लेयर्स चाहिए क्या नाम है उसका आसिफ हाँ वो तेरी टीम की नैया पार लगा देगा लेकिन तुझे चाहिए एक नेशनल प्लेयर कहां से लाएगा उसे नेशनल नहीं मेरे पास इंटरनेशनल प्लेयर है वो कौन है संदीप नायडू एक्स कैप्टन इंडिया ए अंडर 21 ईयर 2014 अरे बेवकूफ तू तो सच में पागल हो गया है वो मेंटली डिस्टर्ब है कहकर उसे टीम से बाहर निकाल दिया था अब वो लौट आया है वापस आ गया मतलब अरे रे 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 अरे बापे अब ये दोनों पागल मिलकर क्या करेंगे दादाजी व्हाट अ सरप्राइज
लोग तो कहते हैं कि आप बाहर नहीं जाते, आज शादी में आए हैं। वो इसलिए है, आज इसकी प्रेमिका की शादी हो रही है ना, इसलिए इसका रोना देखने के लिए आया हूँ। क्या बात है दादाजी। दुखी मत हो बेटा, मेरा पहला प्यार भी फेल हो गया था, फिर तेरी दादी से शादी कर ली मैंने, तेरे बाप का भी लव फेल हो गया था, फिर तेरी माँ से शादी की ना उसने। अरे लव फेलियर जो है हमारे खानदान के लिए शान की बात है। अरे बेटा तुझे सोने जैसी लड़की मिलेगी। हाँ रोना मत बेटा, रोना मत, शाबाश। तू रो क्यों रहा है? दुख होगा तुझे पता था ना, फिर क्यों आया शादी में? अब क्या करूं ब्रो, मैंने तो सच्चाई प्यार किया था और उसने भी सच्चाई से कहा था कि ये सब वर्कआउट नहीं होगा, पर क्या कर सकते हैं, दिल तो पागल है ना। अरे रोना बंद कर। कुछ भी कहो, सिंगल होने का अपना मजा है। हाँ हाँ। मामा वही है लावण्या। ए मुझे उससे मिलवा दे। चुप रहो माँ, पता नहीं वो मुझसे भी बात करेगी या नहीं। अरे बाप, तू एक हॉकी प्लेयर है, ये मुझसे छुपा के रखाता है ना। ओके बाय। चलो ट्राई करता हूँ। लावण्या लव, मेरी बात तो सुनो। ओके सॉरी, मैंने सॉरी कहा ना। हाय सर, आप एक्स हॉकी प्लेयर संजू, ओ सॉरी सॉरी संदीप है ना, संजू नाम के एक लड़के को मैं जानती हूँ। वैसे मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, मेरे बाइक पे बैठने वाला वो पहला लड़का है, लेकिन उसे हॉकी खेलना बिल्कुल नहीं आता। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मगर मेरी समझ में आ गया। बाय गाइस, आपके लिए गुड न्यूज है, हमारे एकेडमी को क्लब में तब्दील किया गया है। ओके सो इस बार हम ध्यानचंद मेमोरियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। वाह, यस, फर्स्ट टाइम इस यानम को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये कैसे होगा सर, डिस्ट्रिक्ट का खुद का एक ही क्लब है, वो भी वाइजैक की फ्रांसिस क्लब है ना। सही कहा, इसीलिए फर्स्ट उनसे क्वालिफायर मैच खेलेंगे। हम ये जीतेंगे काफी होगा, हमारा ग्राउंड ऑटोमेटिकली अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। हाय सर, और सॉरी सर लेट हो गया। कोई ये मेरा कजन सत्या। हाय सर। हाय, हेलो, कम जॉइन द टीम। सर ये कैसे हो सकता है सर, हमारे पास कम से कम एक नेशनल प्लेयर भी नहीं है। है हमारे पास 2014 जूनियर इंडियन टीम कैप्टन संदीप नायडू। वेलकम टू द टीम संदीप। सर 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 सॉरी सर, ऐसा था तो मैं बिल्कुल नहीं आता सर, सोचा था ऐसे जनरली बुलाया होगा। ये हॉकी वॉकी खेलना मुझसे नहीं होगा सर, उस दिन लावण्या को प्रॉब्लम थी तो सिर्फ हेल्प करने गया था वहाँ। सच में सर, मुझसे हॉकी दोबारा नहीं होगा सर, प्लीज सर, सॉरी सर। ऐसा नहीं है संदीप, मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी फिनिश संदीप प्लीज सर। सर मुझे अब्रॉड जाना है, सेटल होना है, माँ का ख्याल रखना है, बहुत जिम्मेदारी है सर। सच में सर अब नहीं खेल पाऊंगा। संदीप तुम मेरी एक बार बात तो सुनो। क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिसे नेशन के लिए पैशन होगा वही गेम खेल सकता है, ये क्या है सर? ए चल जा, गेट लॉस्ट। यासिफ बिहेव योरसेल्फ, जस्ट वन मिनट। सर सर, उसे क्यों रोक रहे हैं आप, वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, आप मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? असल में सर जी ने पहले सही खेला होता तो ये ग्राउंड अंडर परफॉर्मिंग में जाता ही नहीं, और आपको मुझसे रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ती। और हाँ हाँ, क्या कहा था ब्रो, नेशन पैशन फैशन। वाह कमाल कर दिया, ये टैलेंट अगर गेम में दिखाया होता तो जबरदस्त टीम बनती। क्या बोला बे, तेरी तो आसिफ स्टॉप इट। मेरे भाई पे हाथ मत दे, तेरी हिम्मत का मैं रखता हूं। अरे अपना वापस कर, मेरे भाई के साथ छोड़ मुझे, छोड़ 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 उसे, करो इसे, किस लायक नहीं है। बस ये हॉकी की छोड़, तू जानता भी है, तू इसके बारे में जानता भी क्या है?
सुन। नहीं, नहीं। सर देखिए सर कितने लोग आए मुझे मारने के लिए। hey! तेरी तो लफड़ा तूने शुरू किया और अब नाटक कर रहा है। तेरी तो कैसी मैं बात कर रहे हो तुम बोलो बताओ गुंडागर्दी करोगे यहाँ। इतना ही दम है तो गेम में दिखाओ ना। इस तरह बाहर आकर तुच्छी लड़ाइयां मत करो। हम भी वही कह रहे हैं सर, हारने की वजह से अकेला देखकर मारने लग गए। क्या हुआ तुझे बोलना। इंडियन टीम में खेल रहे तो उछलेगा। मैंने भी खेला है, आज तक मैं यहां डिस्ट्रिक्ट कोच हूं। सर मैं भी तो यही कह रहा हूं, आप डिस्ट्रिक्ट कोच हैं, हम बच्चों के झगड़ों में क्यों आ रहे हैं। ठीक है सर, आप बड़े हैं, आपकी बात मानकर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आप सही जवाब देंगे तो हम सॉरी मांगकर चले जाएंगे, क्यों? ठीक है ना? ओके। ये मान गए हैं सर। तो सर अगर आपके फ्रेंड को कोई फालतू में आके मारेगा तो आप भी उसे मारेंगे या नहीं? अगर आपके फ्रेंड को कोई फालतू कुत्ता आके मारेगा तो आप भी उसे मारेंगे या नहीं? मारना ही होगा सर, क्योंकि आप फ्रेंड हो। सर सॉरी। तुम सब लोगों को पसंद आएगा, इसलिए बड़ी मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन तुम लोग इतना बड़ा काम करके आओगे मुझे क्या पता था। वैसे बाल काटे हुए कितने दिन हो गए? हाँ अपने बाल तो देखो, किसी गुंडे जैसे बाल है। ये तो वैसे भी हाथ से निकल गया है, इसके साथ रहकर तुम सब भी बिगड़ते जा रहे हो। ओके माँ समझ में आ गया है, आज हमें सजा मिलेगी, हमें खाना नहीं दोगी, रहने नहीं दोगी, डन। बाहर चलो यार। अबे चल 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 जल्दी उठा ले। अरे ये क्या कर रहे हो? अबे तू चावल लेकर आ जा। सब कहते हैं कि फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली है। सबके फ्रेंड्स क्लासरूम में मिलते हैं, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हॉकी ग्राउंड में मिले थे। मुझे हॉकी सिखाने वाला दर्शी था, वो और राहुल डिफेंडर थे, मैं स्ट्राइकर था। प्लीज मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे पागल, जब डिफेंस करना सीखेगा तभी तो डिफेंडर का माइंडसेट समझ में आएगा, तभी तू फील्ड में जाकर अच्छे से खेल पाएगा। अरे नहीं नहीं दर्शी, अरे आना यार, मुझसे नहीं होगा यार। अरे प्लीज ना यार, क्या कर, छोड़ देना यार। चल 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 चल। एक क्लब मैच में मैंने 90 गोल्स मारे थे, नेशनल रिकॉर्ड बना। उसके बाद मैं नेशनल सिलेक्टर्स की नजरों में आ गया, वहां से मुझे सीधे इंडियन कैंप ले जाया गया। 2 महीनों में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर इंडिया ए नाम की टीम का कैप्टन बनाया गया। उसके बाद 2014 में अंडर 21 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस की, उस वक्त मैंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। एक मिनट मुझे देखने दो, एक मिनट। भाई किसी का भी नाम नहीं है, भाई दर्शी भाई का भी नाम नहीं है। एक वहां जो लगी है वही लिस्ट फाइनल है, उसके अलावा और कोई नाम नहीं है, अच्छे से देख लो। यहां हम में से एक का भी नाम नहीं है, हमारे साथ अन्याय हुआ है यार। सर नमस्ते सर। हे दर्शी बोलना। सर वहाँ नोटिस बोर्ड लिस्ट लगाई है सर, लेकिन उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है सर। देखो दर्शी तुम अच्छे डिफेंडर हो मैं जानता हूँ, लेकिन सेलेक्टर ने कैसे सेलेक्ट किया मैं नहीं जानता। फिर ये सेलेक्टर्स भी अलग अलग स्टेट से आते हैं, मैं तो उनसे पूछ नहीं सकता ना। देखिए पिछले 2 साल में नहीं हुआ ये समझ सकता हूँ सर, लेकिन इस बार डिफेंस सेलेक्टर आप ही तो हो ना सर। इडियट्स जो कहा है वो करो। जैसे तेरा फ्रेंड नेशनल सेलेक्टर्स की नजरों में आकर डायरेक्ट नेशनल कैंप में चला गया, इसलिए
तू भी वैसे ही जाना चाहता है क्यों? फिर तो हम लोगों का यहाँ काम ही क्या रह गया? ऐसा नहीं है सर। तो क्या तुम मुझसे सवाल करने आए हो? आपसे सवाल करने नहीं आया हूँ सर, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। किस न्याय की बात कर रहे हो? बाप क्या काम करता है तुम्हारा? मेरा बाप? हाँ तेरा बाप। मछुआरा है सर। खुद का बोट है ना? नहीं सर, भाड़े से लाकर मछली पकड़ते हैं। भाड़े से ही लाते हो ना? क्योंकि खुद का बोट है नहीं। खुद का बोट होता तो जिंदगी बदल जाती। ऐसे में अपने बाप की मदद करना छोड़कर तू यहाँ क्या कर रहा है? देख दर्शी, अब सब कुछ बदल गया है। गरीबों को बड़े बड़े सपने देखने का हक नहीं है। चल अब जा, तू घर लौटकर अपने बाप के साथ मछलियां पकड़, और ये हॉकी ये सब छोड़ दे। एक साल बाद आकर मिलना, कोई काम होगा तो बताऊंगा। सर सुनिए ना सर, प्लीज सर। सर सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। हॉकी के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखता। हॉकी मेरी जिंदगी है सर, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। दया करके मुझे समझिए सर, हॉकी मेरे बचपन का सपना है। ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो मेरे जीवन में दोबारा ये मौका नहीं आएगा सर। दया करके समझिए सर, अगर मौका नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा सर। रामकृष्ण सर, यहाँ देखिए ना सर, दर्शित मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है सर। टीम में सेलेक्ट ना हुआ तो आत्महत्या कर लेगा, धमकी दे रहा है सर। देवदर्शी, किससे किस वक्त क्या बात करनी चाहिए समझा कर। तुम बताओ, कल इसी की तरह तुम भी मुझे ब्लैकमेल करोगे क्या? नहीं सर। जाओ से, आप भी जाकर मर जाइए सर। सर सुनिए सर, सर प्लीज सर, सर 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 प्लीज मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। हॉकी मेरा सपना है सर, मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, सर। टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ तो आत्महत्या की धमकी दे रहा है मुझे। आप जाकर मर जाइए सर। उसके बाद दर्शी और राहुल दोनों ने मुझे कई बार कॉल किया। प्रैक्टिस में बिजी होने की वजह से मैं उनकी कॉल्स को रिसीव नहीं कर पाया। अगर मैंने रिसीव किया होता तो दर्शी, दिल टूटा है रे ओ यारा, बनाऊंगा रे दोबारा, संग जाएंगे तेरी याद, मुझको ऐसे तू न बुलाए, मुझे बना कमजोर, जाना मुझे छोड़, मेरा दिल फिर से मांगा ना छोड़। हे राहुल, राहुल डॉक्टर, डॉक्टर। संजू, दर्शी, दर्शी कहाँ है? दर्शी ठीक है यार, वो बगल वाले रूम में है, तू चुपचाप आराम कर। डॉक्टर, सिस्टर, थोड़ा सा पानी पिलाना मुझे। हाँ ये ले। एक एक्सीडेंट केस आया है, एक मर गया है, दूसरी की टांग टूटी है। देख तू सो जा। सिस्टर, संजू, ए संजू सच बता, दर्शी को क्या हुआ है? किसी और की बात कर रहा है, दर्शी एकदम ठीक है, वो आप साथ वाले रूम में ही है। झूठ मत बोल मुझे, बता। वो सो रहा है। बता दर्शी को क्या हुआ है, बता। मैं देख लूंगा। सो गया है वो। क्या? रेस्ट कर रहा है वो। उसे कुछ नहीं हुआ है। कहाँ है वो? दर्शी, सिस्टर। दर्शी, बता मुझे दर्शी कहाँ है? बता दे भाई दर्शी कहाँ है? संजू, संजू ये सब कैसे हुआ? संजू बता मुझे। संजू मेरे पैर सर, बाहर जाइए प्लीज। संजू बता ना यार। संभाल के, संभाल के। हाँ संजू, संजू।
नहीं नहीं संदीप, तुम मुझे मारोगे तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी में कभी हॉकी नहीं खेलने दूंगा, करियर बर्बाद कर दूंगा तेरा। दर्शी मर गया सर, आपने उसे मार दिया, उसे मार दिया आपने। क्यों मार दिया उसे? चार लोगों को मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया है, सब के सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। अरे मनोज, तुम क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारे दर्शी की जान चली गई है, नहीं रहा वो अब जिंदा। मैडम मेरी एक बात सुन लीजिए, संजू को किसी भी हालत में इंक्वायरी में आने मत देना, वो लोग केस वापस लेने के लिए तैयार है। अगर ये केस कोर्ट तक पहुंच गया तो संजू को कोई भी नहीं बचा सकता, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये तो अन्याय है बेटा। मुझे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करके 5 सालों के लिए गेम से बैन कर दिया गया, आप क्या मुझे बैन करेंगे? जब दर्शी ही नहीं रहा तो उसकी सिखाई हुई हॉकी का मैं क्या करूंगा, कहकर मैंने खुद ही हॉकी छोड़ दी। एक की मौत हो गई और दूसरे से बात किए हुए 5 साल हो चुके हैं। आपके साथ हुई पॉलिटिक्स में आपने ग्राउंड खो दिया सर, मेरे साथ हुई पॉलिटिक्स में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया। और आप लोग क्या ये हॉकी हॉकी कह रहे हैं, इनके बताने तक मैं कौन हूं आपको पता नहीं था? यही आईपीएल में अगर मैं कोई वाटर बॉटल डालकर ग्राउंड में भागा होता तो मेरा एक फैन पेज आम ही क्रिएट कर देते ना। हमें नेम फेम के लिए नहीं खेलना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन को जो मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट हमारे देश में नहीं मिलती है सर। वर्ल्ड कप जीतने वाली वुमेन्स कम्युनिटी टीम को शेयर ऑटो में जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था सर। ये खेल छोटा है, वो वाला खेल बड़ा है, इस तरह की कंप्लेंट मैं नहीं कर रहा हूँ सर। असल में हमारे देश में स्पोर्ट्स एक बिजनेस बनकर रह गया है, कौन सा स्पोर्ट्स देखना है, सेलिब्रेट करना है, ये सब अब कंपनीज और बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं। अच्छा खेलेंगे तो पैसा और नौकरी मिलेगी, ये सब पुरानी बातें हैं सर। अब तो गेम खेलने के लिए बहुत से लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, यहां कुछ नहीं बदलेगा, हम भी नहीं बदल सकते सर, नहीं बदल सकते। संदीप आई एम रियली सॉरी। सर सर सर, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मुझे आप सबसे कोई नाराजगी नहीं है, इनफैक्ट तरस आता है आप पर, मैंने बहुत खोया है, अब जाके संभला। अब आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप भी संभल जाएंगे सर, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा चलता हूं सर। ये सब क्या हो रहा है? हमें अपना काम करने दीजिए सर। बिना नोटिस दिए यहाँ कैसे आ सकते हैं आप लोग? ये सब नहीं चलेगा, चले जाओ वापस। ये देखो नोटिस लाए हैं, और किसकी परमिशन चाहिए? मैं यहाँ का ग्राउंड इंचार्ज हूँ, मेरी परमिशन लेनी होगी। अरे कौन है ये? अरे इंस्पेक्टर को बुलाओ। ए, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? इनका काम ही नहीं करने दीजिए, चलो जाओ यहाँ से। एक मिनट ऑफिसर, क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्या है रे? अरे एक मिनट, कुछ भी नहीं, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सर, ये देखने के बाद बात करते हैं। आपने देखा क्या क्या चल रहा है? पुलिस को लाकर यहाँ लफड़ा कर रहे हो? ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। ए, बुलाओ सब लड़कों को, कोई जाना नहीं चाहिए। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक मिनट प्लीज। अरे तुम लॉयर को फोन करो जल्दी। अरे चुप रहो, देखता हूँ मैं भी। सर लॉयर जी। हाँ ये सर सुनिए सर, दिल्ली से अरविंद जी का फोन आया था, 2 दिन में डेलीगेट्स फ्रांस से आने वाले हैं सर, लेकिन अब तक काम शुरू ही नहीं हुआ सर। शुरू नहीं हुआ? अरे ये क्या डिपार्टमेंट से बात करके सर्वे करने वालों को भेज दिया ना? सर जो भी हो सर, लॉयर कोर्ट से ऑर्डर लेके बैठा है, प्लेयर्स के साथ बाहर के लोग आकर वहाँ शोर मचा रहे हैं सर। ए, चुप रहो, अरे बोल रहा चुप रहो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग सुनिए मेरी बात, शांत हो जाइए, सुनिए, रुक जाइए, आप लोग। इन लोगों को भी कोई काम धंधा नहीं है, किसी भी आरे गहरे की जय जयकार करते रहते हैं। अरे कौन है लॉयर? अब्दुल्ला नाम है सर। अब्दुल्ला? हाँ
अब्दुल्ला, हमारे लोगों को वहां भेज दे। ओके सर। राइट 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 राइट। फॉरेन डेलीगेट्स के लिए रूम बुक किया है ना? हाँ कर दिया सर। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ख्याल रहे। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी सर, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उनके गिलास खाली क्यों दिख रहे हैं? बिना गैप के पिलाते रहो उन्हें। सर जल्दी करना, वो वहाँ बैठकर धरना दे रहे और आप यहाँ इनको शराब पिला रहे। सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, यही वो लोग हैं जो लोगों को भड़काकर अलग कर देते हैं। सर वो लोग वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरकार कुछ न कुछ गलत कर रही है। हमें इस ग्राउंड की जरूरत है, ये ग्राउंड ही हमारी पहचान है। वो लोग साथ जरूर हैं, लेकिन इतने भी मिले हुए नहीं हैं यार। उनके भी आपस में मतभेद हैं, उन्हें तोड़ने के लिए बहुत से रास्ते हैं, तुम कुछ टेंशन मत लो। सोशल मीडिया में ये ग्राउंड का न्यूज ट्रेंडिंग में है, बहुत से लोग वो मैच को देखने के लिए वेट कर रहे सर। अरविंद जी, वेट करने से क्या होगा, खेलने वाले तो होने चाहिए ना। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये पावर स्टार पर 10 जोक डलवा देगा, सुपर स्टार पर 10 जोक डलवा देगा। उनके फैंस इनके फैंस आपस में झगड़ा करेंगे, इनके लफड़े में ग्राउंड की बात भूल जाएंगे और हम कूल होकर अपना काम करते रहेंगे। सर ये सब वर्कआउट होने वाला नहीं है। अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो मेरे पास एक और धांसू आइडिया है। क्या है बोलो? खून खराबा। ए, तुम लोग खाना खाते हो या घास खाते हो? ये कोई कहीं से आकर हमें भड़का रहा है। तुम इसी गांव के हो क्या? बैठ जाओ। मैं बात करता हूं ना। सही कहा तुमने, मैं इस गांव का नहीं हूं, लेकिन बॉर्डर में सर्विस करते वक्त मुझसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। मैंने किसी को नहीं भड़काया है, सब लोग यहां अपने ग्राउंड के लिए आए हैं। अब जरा ग्राउंड के बारे में बात की जाए। सर अगर वो भी वर्कआउट नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मेरे पास एक और नेशनल मैटर है, जात पात। ए बाल बहुत अच्छे कटवाए तूने। हाँ ए श्रीनु का बेटा ही है ना तू? हाँ हूँ तो। ए क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? इसका बाप वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है और ये गैर जात के लड़के के साथ टाइम पास कर रहा है। ए, जात पात क्या लगा है? कर रहा है तू? बच्चों में नफरत फैलाओगे तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। सर मुझे डर लग रहा है सर। ठीक है, ये भी वर्कआउट नहीं हुआ तो इंटरनेशनल मैटर है। हमारे बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? निकल। बाहर जाने का बोलने वाला तू कौन होता है? तू हमारा आदमी नहीं है, पाकिस्तानी है, निकल। खत्म। दादाजी उठो, दादाजी, दादाजी, दादाजी।
अरे चलो यार, एक को भी नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना। चलो यार, सबको लेके चलते। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। क्या चाहते हो, कहाँ ले जा रहे हो सबको? हर चीज को दिल पे लेकर आज हमारी हालत ऐसी हो गई है। ये लड़ाई झगड़ा खून खराबा मेरे लिए नया नहीं है। हर दिन देखता था बॉर्डर पे मैं। पड़ोसी देश वाले हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए हमारे सैनिक जान को दांव पर लगाकर जंग कर रहे हैं वहाँ। लेकिन हम यहाँ आपस में लड़कर उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर गुनहगारों को ऐसे ही जाने दे क्या? हर प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ से नहीं निकाला जाता, यहाँ से निकाला जाता है। जलती हुई ज्वाला को क्यों रोक रहे हैं सर? खामोशी की वजह से ये हालत हो गई है। इंसाफ के लिए लड़ना गलत है कैसा? लड़ाई कितनी जरूरी है, किस लिए लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, ये भी उतनी ही जरूरी होती है। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम क्या करोगे यहाँ? तुम्हें तो फ्रांस में जाके वहीं बस जाना है। जन्म यहाँ लिया, पढ़ाई यहाँ की, सब कुछ यहाँ किया, उसके बाद भी यूके या यूएस में जाकर काम करेंगे और सेटल हो जाएंगे, यही ना? और हाँ, कभी कभी फेसबुक में ट्विटर में पोस्ट डाल देंगे, हमारे गाँव में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसे बदलो उसे बदलो। मुझे 100 युवा लड़के दो, मैं इस देश को ही बदल दूंगा, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। हमारी कंट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ है पता है, फिर भी कुछ नहीं बदल पाए हम। वो इसलिए कि अच्छी बात बोलना आसान है और अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है। बदलाव लाना है, लाना है कहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए पहले हमें बदलना होगा। यहाँ के हर एक इंसान को बदलना होगा। इस ग्राउंड के साथ साथ मुझे आपकी सेफ्टी की भी जरूरत है। सब लोग संभल के घर जाइए, जाइए प्लीज, जाइए। सर मीडिया वाले सारे लोग आ गए हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मैं संभाल लूंगा। सर एक बैठ जाइए। प्लीज शांत हो जाइए, मैं समाधान देता हूँ। सबको समाधान देता हूँ। अंदर आप सबके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया गया है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद बैठकर आराम से बात करते हैं। ये शोर शराबा किसी का? हाँ, माइक नीचे करो बेटी, माइक नीचे करो। बाबू कैमरा ऑफ करो। कट इट। हाँ, पहले नाश्ता करके आइए, बाद में बात करते हैं। हाँ आइए, तुम भी आओ। अरे क्या बात है, नाश्ते के लिए बुला रहे। कैमरा ऑफ हो गया क्या? देख अब ये क्या बताने वाले, क्या बोलते? हाँ हो गया है सर। श्योर है? पक्का सर। ए क्या है तुम्हारा नाटक? हाँ क्या चाहिए तुम्हें? गन पकड़ने वाला हर कोई गैंगस्टर की तरह है, फोन पकड़ने वाला हर कोई प्रेस है क्या? अरे बाप रे, गांव चल रहा है, बचाने के लिए कोई नहीं है कहकर वीडियो बनाते हो, ये देखकर सभी लोग हंगामा करते हैं। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कहकर सबको फोर्स करते हो। ऐसा कहकर क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। नया लफड़ा आते ही पुराने लफड़े को लोग भूल जाते हैं। लोग कब सुकून से रहा करते थे पता है? उस जमाने में जब दूरदर्शन पे हर दिन 25 मिनट न्यूज आया करती थी, उस न्यूज को लोग कान लगाकर सुनते थे, खुश होते थे। लेकिन अब 24 घंटे चैनल ब्रेकिंग न्यूज के अगर चिल्लाओगे तो क्या होगा? किसी को भी किसी समस्या में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई भी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। वैसे आज यहाँ कोई नेशनल चैनल्स आए हैं क्या? हाँ सब लोकल चैनल्स है ना। इस लोकल चैनल में ऊपर नीचे ऐड वालों के बीच वाली राजनीति किसे समझ में आएगी यार? आपको क्यों चाहिए ये राजनीति? चैनल में सिनेमा दिखाओ, सॉन्ग दिखाओ, कॉमेडी शो दिखाओ यार। और सुनो, दोबारा हॉकी ग्राउंड, हॉस्पिटल ऐसी वैसी न्यूज दिखाई ना तो तुम सबके लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। चलो यहाँ से। बस हो गया सर, सब चलिए 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 चलो चलो ना, निकलो यहाँ से, चलो चलो जाओ। आ जाते हैं। अरे वो ग्राउंड सिर्फ हॉकी खेलने के लिए नहीं है बेटा, आप सभी बचपन से उसी ग्राउंड में खेल कर बड़े हुए हो, वो हमारी पहचान है। आप लोग दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजरते हो ना, ये दादा भी तुम्हारा दोस्त है बेटा। इस दादा के लिए उस ग्राउंड को हाथ से जाने मत देना,
आपस की लड़ाई अब यहीं रोक दो। मुझसे वादा करो बेटा, मुझसे वादा करो। हे, वादा करो मुझसे। सर आप इतने उदास क्यों हैं? सर आपको देखकर हमें तकलीफ हो रही है। ग्राउंड बचाने के लिए मैच जीतेंगे तो काफी है, ऐसा लॉयर साहब ने कहा था ना सर। सर हमें आप पर पूरा विश्वास है सर, ये टूर्नामेंट हम जरूर जीतेंगे सर। हमें सपोर्ट करने की वजह से वो लॉयर जेल में है। ये मामूली टूर्नामेंट नहीं है, नेशनल लेवल टूर्नामेंट है। बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये हमारा ग्राउंड है सर, कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, क्या बोलते हो? नहीं छोड़ेंगे, आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना नहीं है ये। एक मिनट। हाँ बोलो। अरे इतने झगड़े में भी तूने अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन किया? रजिस्ट्रेशन? ए, जो किया सो किया, ड्रामा मत कर। क्या बात कर रहा है यार, मजाक कर रहा है क्या? मुरली सर। रुक, बाद में करता हूँ। सर सर, मुरली सर, हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, ये देख लीजिए। इस महीने के 21 को हम मैच जीतने वाले हैं। क्या कहूं, तुम भी इनकी तरह। तुम्हें पता है ना, हमें खेलने के लिए एक नेशनल लेवल प्लेयर चाहिए टीम में। नेशनल क्या सर, हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर है। हमारे पास 4 नेशनल प्लेयर्स हैं सर, उन सभी को अपनी टीम में ले आएंगे, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ नेशनल प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं सर, पंजाब से 2 खिलाड़ी, वेस्ट जोन से 2 खिलाड़ी, हमारे लिए मिनी इंडिया टीम खेल रही है सर। उनकी टीम में नेशनल प्लेयर्स हरियाणा से 2 हैं, पंजाब से 3 हैं, वेस्ट जोन से 2 हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। लेकिन उनके पास जो नहीं है वो हमारे पास है, एक चीज, केमिस्ट्री। उन सबके लिए ये सिर्फ एक मैच है, लेकिन हमारे लिए ये मैच हमारे दिलों से जुड़ा है। So boys, ये मैच कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। Who is going to win this match? ध्यानचंद टूर्नामेंट और थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। इस मैच को कवर करने वाली हूँ मैं, आपकी सुमा। और मैं आपका राजा हर्षा, रेडी बैठे हुए हैं इस हॉकी मैच के लिए। इस हाइप के पीछे भी एक कहानी है। एक गांव के मान सम्मान, आत्म सम्मान, सब कुछ इस मैच से जुड़ा हुआ है। अगर बी चिट्टी बाबू क्लब ये मैच हार जाएगी तो वो अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी से बाहर हो जाएगी, उन्हें ग्राउंड छोड़ देना होगा, इसलिए उन्हें इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है। हॉकी के बारे में अच्छी नॉलेज रखने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर राव रमेश जी VIP बनकर आए हैं। अच्छा, इनको इतना नॉलेज है क्या? वो भी देख लेंगे। दादाजी ये देखो, आज फ्रांसिस क्लब में खेलने के लिए अलग अलग स्टेट से इंडिया के टॉप प्लेयर्स आए हैं। जी हाँ हर्षा, और दूसरी तरफ देखें तो चिट्टी बाबू क्लब में सारे प्लेयर्स यंग हैं। उनका पूरा टीम लगता है उनके कैप्टन संदीप नायडू के भरोसे खेलने वाली है। संदीप नायडू ऑलरेडी इंडिया ए अंडर 21 टीम के कैप्टन बनकर खेल चुके हैं। एंड इट्स टाइम फॉर द टॉस नाउ। हर्षा कौन जीतने वाला है? और ये कॉइन को टॉस कर दिया गया है और लगता है संदीप ने टॉस जीत लिया है। देखने से लग रहा है कि सारे खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं, मैच खेलने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये
मैच शुरू हो गया है। चिट्टी बाबू क्लब वाइस कैप्टन आसिफ ओपनिंग पास डायरेक्टली संदीप को दिया है। संदीप बॉल को लेकर वापस नैरेटिव पास को दे चुके हैं। चिट्टी बाबू टीम के सभी प्लेयर फर्स्ट हाफ में ही खड़े हैं, हाफ लाइन क्रॉस करके आगे नहीं जा रहे। कमान चिट्टी बाबू की टीम क्या खेल रही है, हॉकी या कबड्डी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर खिलाड़ी एक दूसरे को नेगेटिव पास ही दे रहा है। रघु सर, उन खिलाड़ियों को देखो, पार्टी के सदस्य की तरह कैसे मिलकर खेल रहे हैं। हमारे लोग भी क्या हैं यार, कहां दूर खड़े होकर खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, हमारे लोग तो बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं, खेल तो वो गलत रहे हैं। चिट्टी बाबू क्लब नेगेटिव पासिंग गेम को फ्रांसिस क्लब के खिलाड़ियों ने बीट कर दिया है। बॉल अब फ्रांसिस क्लब के कब्जे में है। फ्रांसिस क्लब के प्लेयर्स में बहुत मैच्योरिटी दिखाई दे रही है और चिट्टी बाबू टीम के प्लेयर्स उनकी मैच्योरिटी को मैच नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी फॉरवर्ड पासिंग देते हुए फ्रांसिस क्लब अब फुल अलर्ट में है। फ्रांसिस क्लब के खिलाड़ियों ने ऑलमोस्ट चिट्टी बाबू क्लब डी लाइन तक पहुंचाया है। चिट्टी बाबू के खिलाड़ी उनसे बॉल ले नहीं पा रहे हैं। संदीप अपनी टीम को पोजीशन में रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ अपने पोजीशन से हटकर फ्रांसिस क्लब की तरफ चले गए हैं एंड इट्स अ गोल। चिट्टी बाबू क्लब की स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं की हर्षा। फ्रांसिस क्लब वालों ने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके चिट्टी बाबू टीम के डिफेंडर को ब्रेक करके अर्ली लीड को हासिल किया है। बहुत ही कमाल का गोल था, गुड जॉब बॉयज। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। ओके बॉयज, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गेट बैक इनटू द गेम, चलो। चिट्टी बाबू क्लब 0 फ्रांसिस क्लब 1। गेम फिर से पिकअप हो रहा है। फ्रांसिस क्लब अब बॉल को लेकर फॉरवर्ड कर रहे हैं। चिट्टी बाबू के प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा। अभी बॉल चिट्टी बाबू क्लब के पास। As expected, बॉल को कैप्टन संदीप के हवाले कर दिया गया है। लेफ्ट विंग में संदीप आराम से खेलते हुए उन्होंने बॉल को आसमान में उछाल दिया। संदीप ने लेफ्ट विंग से राइट विंग में आसिफ को पास कर दिया है और आसिफ बॉल को रिसीव करके चार्ज करते हुए आगे ले जा रहे हैं। संदीप फिर से बॉल को रिसीव करने के लिए वेट कर रहे हैं। आसिफ ने बॉल को साइडर पास कर दिया है। बॉल पहुंची संदीप के पास। एक गोल होने की वजह से फ्रांसिस क्लब के कोच ने उन्हें बुलाकर जोरदार हौसला बढ़ाया है। फ्रांसिस क्लब बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, उनसे एक एग्रेसिव रिस्पांस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। संदीप बॉल के साथ आगे चार्ज कर रहे हैं। चिट्टी बाबू प्लेयर टिक टॉक फॉल के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन रेफरी क्या रिएक्ट करेगा पता नहीं। इसी को हमारी यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा गलत कहती है, लेकिन रेफरी का फैसला फाइनल होता है। संदीप अब फ्री हिट मारने वाला है। फ्री हिट बोले तो नो बॉल के बाद आता है, वही ना, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। फ्रांसिस क्लब के खिलाड़ी आसिफ को घेरे हुए हैं। ओह, ये क्या लगता है, दोनों खिलाड़ी गेम से बाहर जाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आसिफ ने कुलदीप की टी शर्ट पकड़ी हुई है, लगता है बड़ा झगड़ा होने वाला है। अरे ये क्या, रेफरी ने आसिफ को ग्रीन कार्ड दिखा दिया है। अरे सारे रेफरी हमारे लोगों का था, तुम्हें वो टीम वाले अच्छा खेल रहे हैं इसलिए ग्रीन कार्ड दिखा रहा है। सर, रेड कार्ड तो हमारे खिलाड़ी को दिखाना चाहिए था। रेफरी हमारा आदमी है, उसके प्लेयर को ग्रीन कार्ड दिखाया है। अब देखिए, 2 मिनट बाहर बैठ के अंदर आ जाएगा। अरे वो वन साइड रेफरी है बेटा, वन साइड रेफरी है वो। बहुत ही स्ट्रेट डिसीजन है। संदीप क्लब को फ्री हिट मिला है, कैप्टन कुलदीप मारने वाले हैं। चिट्टी बाबू प्लेयर्स फ्रांसिस क्लब प्लेयर्स को बहुत ही टाइट मार्क कर रहे हैं। That was a good turn and forward by... Focus! Oh!
कैप्टन संदीप के कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए फ्रांसिस क्लब के प्लेयर्स उन्हें टारगेट करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब संदीप कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं। चिट्टी बाबू क्लब 1 एंड फ्रांसिस क्लब 2 आसिफ गेम को दोबारा पिकअप करके संदीप को पास किया है। ओह, संदीप बॉल को रिसीव नहीं कर पाए। देखने से लगता है कि संदीप का फोकस धीरे धीरे गेम से बाहर हो रहा है। देखा उस पर माइंड गेम खेल के कैसे कमजोर बना दिया उसको। वाओ सुपर सर। हाथ दूर रखो, चारों तरफ कैमरा लगे हैं। उदास वाला चेहरा बनाओ। क्या हुआ संदीप, तुम्हें क्या हुआ? What is this? What happened to your game? क्या रघु, ये हीरो तो बाहर जा रहा है। सर वो बाहर जा रहा है, वापस भी आ सकता है। मुझे पता है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली चिट्टी बाबू टीम के कैप्टन एंड स्टार प्लेयर संदीप पिच को छोड़कर चले गए। सही कहा, बहुत ही अजीब लग रहा है। संदीप क्यों चला गया समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होने वाला है, लेट्स वेट एंड सी। यहां से चिट्टी बाबू टीम को कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। शॉट एंड अदर गोल फॉर फ्रांसिस क्लब। जले पर नमक छिड़कना शायद इसी को कहते हैं। मार पर मार गिरा, चिट्टी बाबू तेरा क्या होगा। चिट्टी बाबू क्लब 1 और फ्रांसिस क्लब 3। सेकेंड हाफ में कोई चमत्कार करना होगा चिट्टी बाबू टीम को, वरना इस गेम में लौट कर आना बहुत ही मुश्किल होगा। And it's half time. 45 minutes to done, 45 minutes to go. संजू, क्या हुआ? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं संजू। चलो, come on. उनका कैप्टन चला गया है, हाँ? उसके बिना उसकी टीम बहुत कमजोर हो गई है। You and Asif attack, both be around the D-line, okay? Okay, संदीप चला गया है। Boys remember, team is bigger than any player, ठीक है ना? Always, always याद रखना। It's okay. सारे नायाब प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, भूलो मत हम नेशनल प्लेयर्स हैं। ठीक है, उनकी टीम में आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारी टीम में अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं सारे। कोई जीतने का मौका ही नहीं है। फ्रांसिस टीम से उन्हें सपने में भी डर लगना चाहिए। उस दिन की लड़ाई याद है या भूल गए? भूल गए हो ना? याद है। अच्छा याद है, गुड। कितना गुस्सा था ना तुम लोगों के अंदर, सच या झूठ? उसी गुस्से को दिखाना होगा यहाँ इसी फील्ड में। टू गोल्स बॉयज, just two goals. First we go for the equalizer and then we go for the winning goal. Penalty na ho jaye iska dhyan rakhna, okay? Can we do this much? Yes sir. Yes sir. Can we do this much? Yes sir. Yes sir. Can we do yes, it? Sir. Can we do this much? Can we do it? Yes sir. Can we do it? Yes sir. Louder. Yes sir. Louder. Yes sir. Go go go, come on boys. सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया है। हाफ टाइम में छक्क दे इंडिया मूवी में कोच शाहरुख खान की तरह यहां दोनों कोच अपने टीम को मोटिवेट करके भेजा है। नए एनर्जी के साथ दोनों टीम पिच पर आकर दोबारा से गेम शुरू किया है। एक पर्सनल स्टार्ट है चिट्टी बाबू टीम की तरफ से। बहुत ही घमासान अटैक कर रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस क्लब से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चिट्टी बाबू टीम के प्लेयर्स को ब्रेक कर रहे हैं। गेम छोड़ के तू यहाँ बैठा है? 5 साल के बाद मैं ये सब देखने आया हूँ क्या? अगर दर्श यहाँ पे होता तो पता है तुझे देखकर कितना शर्मिंदा होता। ऐसे बैठने से जीतोगे क्या? अरे वो हार भी गए तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसों को हर एक बार जीतना पड़ेगा।
गुस्सा थूक दे और चल अब। तेरी टीम को तेरी जरूरत है, तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, पहन ले इसे। जल्दी आ। अच्छे से डोमिनेट कर रही है। इससे बॉल लेने के लिए चिट्टी बाबू क्लब के प्लेयर्स बहुत ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह फायदा नहीं हो पा रहा है। कैप्टन संदीप की कमी साफ नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन अब अगर संदीप लौट कर आएंगे भी तो भी ज्ञानचंद टूर्नामेंट तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए इन्हें फ्रांसिस क्लब से ज्यादा गोल मारने होंगे और उसके लिए टाइम बहुत कम बचा है। चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, सभी लोग कंफ्यूजन में खड़े हैं, एवन एक्सप्रेस कहकर चिल्ला रहे हैं। देखिए सर, गोल्स की बौछार होगी। अब होगा इस मैच का असली मुकाबला, ऐसा कहते हुए संदीप एंट्री कर रहे हैं। आसिफ कैप्टन वैन को वापस लौट आ चुके हैं। ग्राउंड बैठे हुए क्राउड के साथ क्या होगा सोचकर हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। लास्ट 20 मिनट सिर्फ बचे हैं। संदीप पर चिट्टी बाबू क्लब डिपेंड हो रही है। बताया था ना कि जीत अपनी ही होगी। अरे पगले, तूने अब बताया, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था। संदीप को लोग एवन एक्सप्रेस क्यों पुकारते हैं, मन में कोई शक हो तो अब तक दूर हो जाना चाहिए। बहुत देर के बाद चिट्टी बाबू के खाते में एक गोल पहुंच गया है। फर्स्ट गोल, और संदीप ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं एक बहुत ही शानदार गोल। फ्रांसिस क्लब के स्कोर के करीब चिट्टी बाबू टीम आ रही है। चिट्टी बाबू क्लब 2 एंड फ्रांसिस क्लब 3। अब जीत चिट्टी बाबू क्लब के हाथों में है। फ्रांसिस क्लब किसी भी हालत में उन्हें गोल नहीं करने देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये गेम उनके हाथों से निकल जाने का चांस है। बेस्ट डिफेंडर के सामने उनके प्लेयर्स चार्ज करने पहुंचे हैं, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, गोलकीपर बॉल को रोकने के टाइम उन्हें चोट लग गई है। चिट्टी बाबू क्लब में एक्स्ट्रा गोलकीपर है या नहीं पता नहीं है। चोट गहरी लगने की वजह से चिट्टी बाबू क्लब के इस गोलकीपर को सबसाइड करना पड़ेगा। महेश यहाँ है, आज टीम को तेरी जरूरत है, हेलमेट पहन कर जल्दी आ। ब्रो, मैं ही क्यों ब्रो, दूसरे प्लेयर्स है ना यार, उन प्लेयर्स की ग्राउंड में जरूरत है, जा जल्दी। वो बात नहीं यार, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा ना जा, मैं देख लूंगा, और हम सब है ना, जा। मर गया। कोच कोच प्लीज कोच, मुझे कुछ नहीं आता कोच, किसी और को भेजिए ना कोच, प्लीज कोच, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कोच कोच प्लीज कोच, मुझे मत भेजिए कोच, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज कोच कोच समझने की कोशिश कीजिए। कमॉन 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 कमॉन। जब एक नॉर्मल प्लेयर को एज अ गोलकीपर अपॉइंट करते हैं तो उसे ना ही गार्ड मिलता है और ना ही पैडिंग, उसे सिर्फ हेलमेट मिलता है, यही रूल्स हैं। ओके बॉयज रेडी, बॉयज हमें ही संभालना होगा, हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। ओके ओके यार, अबे हेलमेट तो डर लग रहा है। रेडी है ना? हाँ। नीचे का गार्ड पहना। क्या गार्ड, वो सब कुछ नहीं दिया यार, सिर्फ हेलमेट पकड़ा दिया मुझे, अब क्या करें। तैयार हो? ब्रो ब्रो, दो मिनट का टाइम देना, पहन कर आता हूँ। हे भगवान, अब क्या करूँ, गोल को बचाऊ या इसको। अब तो वहाँ गोल कीपर भी नहीं है, सारी टीम मिलकर अटैक करो, अटैक।
कमान। हे गॉड प्लीज बचा ले मुझे, कोशिश कर कि बॉल मेरे पास आए ही नहीं। सब्स्टिट्यूट गोलकीपर ना होने की वजह से चिट्टी बाबू क्लब ने महेश को गोलकीपर बना दिया है। रूल्स के मुताबिक उनको पैडिंग नहीं दिया गया है। बिना पैडिंग पहने गोल को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। वंडरफुल जॉब। हाँ, वो मेरा पोता है बेटा, मेरा पोता है। महेश ने फिर से गोल होने से बचा लिया। ये बिना पैडिंग के ही सिर्फ स्टिक से ही गोल बचा रहा है। मेरी तरह उसने भी एक गोल नहीं होने दिया सामने वाली टीम का, वो शेर है। एक बार नहीं दो बार महेश ने अपनी टीम को सेव किया है। अब एक्सपीरियंस प्लेयर की क्या जरूरत है, बिना रुके दो बार सेव किया है महेश बाबू ने। स्कोर इज स्टिल 2-3। चिट्टी बाबू क्लब को इस मैच को जीतने के लिए कम से कम उनको एक गोल तो मारना ही होगा। गो राइट, गो राइट। फ्रांसिस क्लब के प्लेयर को पार करने तक लॉन्ग पासेस करते हुए चिट्टी बाबू प्लेयर्स बॉल को गोल की तरफ ले जा रहे हैं। और ये पास मिला संदीप को, संदीप ने आसिफ की तरफ मूव कर दिया है और आसिफ ने बॉल को फ्लिप करके गोल की तरफ घुमा दिया है। सर एक काम याद आ गया। अरे रे, क्या टीम है, क्या टीम की स्पिरिट है। लास्ट मोमेंट तक बिना डिस्टर्ब किए फ्रांसिस क्लब के हाथों से गेम को ऑलमोस्ट छीन लिया है। चिट्टी बाबू टीम के प्लेयर्स ने 2 गोल्स के लीड से स्कोर को लेवल कर दिया है। चिट्टी बाबू क्लब 3 फ्रांसिस क्लब आल्सो 3। बॉल बाहर जाने की वजह से अब चिट्टी बाबू क्लब की फ्री हिट। गाइस दिस इज लास्ट चांस, इवन इफ इट इज अ फाउल डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव टू विन। जीता है, समझ गए तुम्हें? चिट्टी बाबू टीम इस गेम को बिना पेनल्टी के आगे जाने से किसी भी हालत में फोर्थ गोल मारने के लिए ट्राई करेंगे। अब तक जो मैच फ्रांसिस क्लब के हाथों में था वो अब चिट्टी बाबू क्लब के हाथों में है। उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया है। आसिफ के तरफ से एक लॉन्ग स्ट्रोक, संदीप उसे रिसीव करने के लिए डी लाइन पर भाग रहे हैं। बॉल अगर संदीप रिसीव कर लेंगे तो गोल रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फ्रांसिस क्लब के लिए। संदीप बॉल रिसीव करने जा रहे हैं लेकिन फ्रांसिस क्लब के प्लेयर्स ने उन्हें धक्का दे दिया है। व्हाट द, अरे सॉरी, मुंह से गालियां निकल रही हैं। वैसे ये बहुत गलत है, चीटिंग तो सभी करते हैं लेकिन इतना ओपनली कौन करता है। इन लोगों ने सोचा था पेनल्टी स्ट्राइक मिलेगी लेकिन इन्हें तो पेनल्टी कॉर्नर मिला है। अब ये मैच बहुत ही ज्यादा अनसेफ हो रहा है। संदीप स्ट्राइक ले रहा है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारी निगाहों से संदीप ना हटे, उसे गोल मत करने दो। ओके, दिस इज द लास्ट चांस, लास्ट चांस, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यस सर। आसिफ पेनल्टी कॉर्नर ले रहे हैं, ये एक गोल्डन चांस है चिट्टी बाबू क्लब के लिए। कम गोपाल सर। चिट्टी बाबू क्लब के कैप्टन संदीप आसिफ को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। ये पोजीशंस क्यों बदल रहे हैं? ऐसे वक्त में संदीप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लास्ट ओवर में विराट कोहली बॉलिंग करते हैं उसी तरह से संदीप कॉर्नर क्यों ले रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Thank you.
की सेलिब्रेशन को देखिए, लुक एट दिस हैप्पी फेस। इन्होंने सिर्फ एक मैच ही नहीं जीता है बल्कि लाखों दिलों को जीत लिया है। वो अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले ग्राउंड को दोबारा पाकर बहुत ही खुशी मना रहे हैं। वेल डन चिटी बाबू हॉकी क्लब। अरे उस दिन हम दुखी हो रहे थे तो हमारे फ्रेंड चिट्टी बाबू ने आकर हमारी मदद की थी बेटा। फ्रेंड्स जब मुसीबत में होते हैं तो जरूर एक फ्रेंड आकर उनकी मदद करेगा बेटा। फ्रेंड्स के लिए जीत कर दिखाएगा बेटा। लाओ लाओ फूल की माला दो। क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैं विलन नहीं हूँ यार, पॉलिटिशियन हूँ भैया। इतने गुस्से में देख रहे हो, हंसो मेरे भैया, मैच जीते हो। ठीक है हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं हार गया हूँ, मेरा पद भी चला गया है, तो अब मैं क्या चुप बैठूंगा? I'm a practical guy. अभी जाकर opposition party join करूंगा। ये पार्टी वाले गाली देंगे, कल तक मुझे गाली देने वाले आज से मेरी तारीफ करेंगे। ऐसा ही होगा, हम ऐसे ही हैं। चलो ये सब बातें छोड़ो भैया, मैं ईमानदारी से काम करने के लिए रेडी हूँ। बिना पैसा लिए वोट देने के लिए आप रेडी हो क्या? रेडी हो क्या? नहीं देखा ना। सर, कोई बात नहीं, आइए सर। बॉस, हमारे माननीय क्रीड़ा मंत्री जी ने, एक्स क्रीड़ा मंत्री जी ने हमारे जिले में रहने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए 30 करोड़ रुपए डोनेशन देने की घोषणा की है। आप महान हैं सर। थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। इतनी टेंशन मत लो सर, ये तो छोटी सी बात है। सर, अंग्रेजों के गुलाम देश भारत में आजादी की लड़ाई सन 1857 में शुरू हुई और 200 साल बाद हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन तरक्की अभी तक नहीं मिली। हमारे लोग बहुत मासूम हैं, जिंदगी से लड़ लड़कर थक गए हैं सर, समझ गए हैं कि हमारे देश का कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें बर्बाद करने वाले आप ही हैं सर। ईमानदारी से काम करके तो देखिए, वोटों की कमी नहीं होगी और नोटों पर भी आप ही का चेहरा दिखाई देगा। थैंक यू सर। Mm-hmm.